यार स्टेप्स ठीक है पता चले, लेकिन वो मिड से पहले पता कराया करो ना। तुम लोग मिड के दौरान देख रहे होते हो, मैंने पहले बताया था मिड के दौरान चीटिंग करने का टाइम नहीं होगा। एनीवेज चलो अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और 10 हम करेंगे। हीट ट्रांसफर एनालिसिस, पहला वाला एक सिलेंडर हीट ट्रांसफर एनालिसिस, जिसमें आपके पास एक हॉलो पाइप है और पाइप की इनर सरफेस हीटेड है और आउटर सरफेस तक कितनी हीट ट्रांसफर और कितना फ्लक्स पहुंच रहा है ये। अच्छा ये इक्वेशन हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ चुके हो, पढ़ चुके होंगे, छठे सेमेस्टर में होती है, ट्रांसफर में होती है। सर अभी पढ़ रहे अच्छा हैं। उस अच्छा उसका तीसरा चैप्टर है शायद ये, उसमें ये इक्वेशंस गिवन होती हैं। ये है फोर वही पता नहीं फोरियर लॉ मेरे ख्याल इसको कहते थे, के ए डी टी बाई डी एक्स, और रेडियल उसमें के ए डी टी बाई डी आर रेडियल एक्स, ये आपने पढ़ लिया होगा। इसमें जो ये कापा के, इसमें जो या के कोई लिखता है कोई कापा लिखता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ए जो है ना एरिया होता है, एरिया ये वो वाला एरिया होता है जो हीट ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट तरह के एरिया होते हैं, बॉडी का सरफेस एरिया भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट एरिया, एरिया अवेलेबल टू हीट ट्रांसफर, ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एरियाज यूज होते हैं। ये वो एरिया जो अवेलेबल टू हीट ट्रांसफर होता है। क्यू इसमें हीट फ्लक्स है, टी टेम्परेचर है, और आर रेडियल लोकेशन है। जिस तरह एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आर रेडियल कोऑर्डिनेट है। ये आपके पास मेरे ख्याल है फोरियर लॉ इसको कहते हैं, लिखा है माइनस के ए डी टी बाई डी आर। ये इसमें नेगेटिव साइन क्यों होता है ये पता, ये बुक में नेगेटिव साइन इसलिए होता है कि डी टी बाई डी आर इवेल्यूएट करते हुए आप जो है ना बड़ा टेम्परेचर पहले रख देते हैं और दूसरा टेम्परेचर छोटा वाला दूसरी तरफ रख देते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ नेगेटिव साइन डालना पड़ता है। ये आपको ये वैसे नेगेटिव लाजमी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नो कि हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रही है बस ठीक है। जिस तरह फोर्सेज के साथ साइन डालना जरूरी नहीं भी होता, अगर आपको पता है फोर्स किस तरफ है और आप ठीक उसको रिजॉल्व करते हैं तो बेशक ना डालें, लेकिन डालें तो ज़्यादा बेहतर। इसका एनालिटिक सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, ये भी बुक में कुछ केसेस में ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, कुछ में नहीं होती, इस केस में हो जाती है। इसका ये सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो रेडियस का फंक्शन है। अच्छा ये ज्योमेट्री में आपको पहले दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज्योमेट्री इस तरह की है, एक आउटर एक पाइप है, हॉलो पाइप, बाउंड्री कंडीशन जो टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन है वो इनर सरफेस पे देंगे हम, और आउटर सरफेस तक क्या हीट फ्लक्स या क्या डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इस बॉडी में आ रहा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इनर सरफेस हीटेड है, आउटर सरफेस पे हम देख रहे हैं कि क्या हीट फ्लक्स आता है। तो इसमें टेम्परेचर रेडियली वेरी करेगा अलॉन्ग द रेडियस, और उस वो किस इक्वेशन से वेरी करेगा वो एनालिटिकल सोल्यूशन से हमें टी फंक्शन ऑफ रेडियस, टी आर आई वो टेम्परेचर है जो इनर रेडियस पे है, ये टी आर आई वही वाला, टी आर नॉट आउटर रेडियस, और नेचुरल लॉग ऑफ आर बाय आर वो वाला रेडियस है जिसपे आप फाइंड कर रहे हैं स्मॉल आर, ये कोऑर्डिनेट है। आर आई इनर रेडियस, आर आउट आउटर रेडियस, ये इन दोनों की रेशो से ये टेम्परेचर डिफाइन होता है। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल ये स्मॉल आर है, और ये टेम्परेचर इसलिए फंक्शन भी स्मॉल आर का है। अच्छा उसने आपको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम किस कहीं से कॉपी किया हुआ है, इसमें मैट लैब का भी सोल्यूशन है और एनसिस का भी है, हमने सिर्फ एनसिस का करना है, मैट लैब का इस कोर्स में हम नहीं कर रहे। मैट लैब का सिर्फ आपको खुद प्रोग्राम करना पड़ता है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन हो जाता है। अच्छा रेडियस, इनर रेडियस की वैल्यू गिवन है, आउटर रेडियस की वैल्यू, काफा की वैल्यू गिवन है, ये इंचेस फुट्स पीटीयू ये इसमें गिवन है। लेंथ उसने 10 फीट दी हुई है आपको प्रॉब्लम की, और किसी पाइप की लेंथ, ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और अगर किसी पाइप की लेंथ सफिशेंटली लॉन्ग हो तो उसका आप सिर्फ 2D क्रॉस सेक्शन मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग द लेंथ इतनी ज़्यादा होती। तो हम इसमें
दो तरीके हैं इसमें, या तो 2D मॉडल कर सकते हैं, या मैनुअल में आपके उसने किया हुआ है कि 2D भी नहीं मॉडल किया और फुल मॉडल किया, एक छोटा क्रॉस सेक्शन मॉडल किया, ये 12 फीट लेंथ नहीं है, ये उसने सिर्फ 2 इंचज़ की डेप्थ ली हुई है, बस इतनी मॉडल की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कर लें, 4 कर लें, 10 कर लें, बेशक जो ना ये 2D क्रॉस सेक्शन ही कर लें तब भी सेम आंसर आएगा। सिर्फ 2 फीट उसने इसलिए रखी क्योंकि 12 फीट को फिर मैश भी करना पड़ता है, और फिर वो इतना लंबा मैश का कोई फायदा नहीं है, वो सारी कंप्यूटेशन ज़ाया हो रही है। अच्छा, ये मॉड्यूल इस दफ़ा हम डिफरेंट यूज़ करेंगे, स्टडी स्टेट थर्मल, इसके यही दो एक्सपेरिमेंट है जो आज हम दोनों कर लेंगे, तो ये आज ही प्रैक्टिस कर लें। ये बहुत सिमिलर है उससे, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन जब हम देते हैं तो वहाँ हम फोर्स की बाउंड्री कंडीशन देते थे या हम टेम्परेचर्स की बाउंड्री देते हैं, बस सब चीज़ें आइडेंटिकल है। ये साथ साथ करते जाएं तो वो लैब रिपोर्ट्स भी तैयार करते जाएं साथ साथ। और लैब रिपोर्ट सब पिछले जमा कराई थी उसी के आगे शुरू करनी है या अलग से फाइल बनानी है? जी, उसी के आगे शुरू कर। ओके सर। अच्छा, स्टडी स्टेट थर्मल मॉड्यूल लोड कर लें और ज्योमेट्री को राइट क्लिक करके डिज़ाइन मॉडल ओपन कर लें। इस दफ़ा हम इसको 2D एनालिसिस टाइप को 2D नहीं करेंगे, 3D रहने देंगे, बाय डिफॉल्ट 3D होता है क्योंकि हमने 3D एक बॉडी मॉडल करनी है। इसमें जो कापा है, ये एक एक्टिविटी, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये हमें मटेरियल प्रॉपर्टी में जाके हम ऐड करेंगे बाद में, बेशक पहले ऐड कर दें, लेकिन ये अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो रिजल्ट गलत आएंगे क्योंकि टेम्परेचर प्रोफाइल्स डिपेंड करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। अच्छा, यूनिट्स इस प्रॉब्लम के इंचेस में, इसको इंचेस में चेंज कर दें। अब हमने अपनी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, हॉलो पाइप है, 2 सर्कल ड्रॉ करें और बस एक्सट्रूड कर दें। हमें पहला सर्कल लें, ये पी का मतलब है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है पहला सर्कल, और इसी सेंटर से एक दूसरा सर्कल, इन दोनों की डायमेंशनिंग के लिए ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, एक सर्कल का रेडियस 2 इंचेस है और दूसरे का रेडियस 4 इंचेस है। ये डायमीटर से ना कर देना, अगर जनरल डायमेंशन ड्रॉ करेंगे तो वो डायमीटर ड्रॉ करता है, और डायमीटर से करने इनर वाले का डायमीटर 4 होगा और आउटर वाले का डायमीटर 8 इंचेस होगा। ठीक है, ये स्टेप्स वही हैं जो हम पहले भी करते रहे। वापस मॉडलिंग में जाएं, स्केच को सेलेक्ट करके हम जनरेट करते हैं पहले स्केच, क्योंकि ये जो स्केच होता है ये बाय इटसेल्फ कोई एंटिटी, कोई बॉडी नहीं होती जिसको एनसिस यूज़ कर सके, ये सिर्फ आपके लिए होता है जब तक आप इसको जनरेट नहीं करते। जब जनरेट करेंगे तो अब ये एक जाना यूजबल बॉडी बन जाती है। उसके बाद हम हमने एक सरफेस बनाएंगे इसके अंदर और उस सरफेस को एक्सट्रूड कर देंगे बस। ठीक है, सरफेस हम पहले भी देखते रहे, ये कॉन्सेप्ट में सरफेस फ्रॉम स्केच सेलेक्ट करिए, इसको अप्लाई कर दें और जनरेट कर दें, ये एक बन जाता है। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर दें बस, इसको शायद सरफेस बनाए बगैर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, मुझे श्योर नहीं, से चेक कर लेना, शायद हो जाता है। इसकी डेप्थ 2 इंचेस मैनुअल में दी हुई है, एक्चुअल में इसकी डेप्थ 12 फीट है, तो ये काफ़ी लंबी है।
लेकिन उतना लंबा मैंने आपको कहा है कि इसके अलोंग द लेंथ कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, सिर्फ अलोंग द रेडियल रेडियस टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में. तो इसको फिर अलोंग द लेंथ लंबा करने का फ़ायदा कोई नहीं है. ये असल में 2D भी हो सकता है, सिर्फ आपको 3D दिखाने के लिए होता है, कैसे सर्विस लिए 3D है, और इसका कोई मकसद नहीं है. इस एक्सट्रूड को भी जनरेट कर देंगे, ये आपके पास एक बॉडी जनरेट होगी. ठीक है, 2 inches डेप्थ है इसकी और ये एक 3D बॉडी है. ओके okay, यहाँ तक यस सर. अच्छा, प्रोजेक्ट सेव कर लें. मैशिंग वाला मॉड्यूल खोल लें. असदुल्ला नुमान अपना माइक बंद कर देगा. आपको मैं प्रोजेक्ट दे दूँगा इस हफ्ते के अंदर ही किसी टाइम. क्लास का प्रोजेक्ट मिल चुका है? नो सर. नो सर, प्रोजेक्ट को सर, प्रोजेक्ट को आप क्लास के साथ ही अगर कर लें तो कुछ अगर ऐसा. यस सर, क्लास डॉक्टर जावेद कह रहे हैं कि क्लास से एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट ही रखना, तो या तो डिफरेंट मैं खुद दे या उन्हीं के प्रोजेक्ट की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, एनालिसिस टाइप या बाउंड्री कंडीशन. सर आपने कहा था कि मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ माइनर चेंजेस कर दूंगा, तो मतलब जी यही मैं सर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो सर इसीलिए सर 9 के 9 प्रोजेक्ट्स दे देते हैं सारे अलग-अलग, हालांकि लैब्स के मेरे ख्याल से सब्जेक्ट के साथ होने चाहिए. सही कह रहे हो, प्रोजेक्ट, लेकिन आपका जिस तरह रिपोर्ट्स चेक होती हैं उस तरह चेक होंगे. सबमिशन नहीं है, नंबर सबके ठीक ही आएंगे. रिपोर्ट्स के नंबर आपने देख लिए होंगे, सबके तकरीबन पूरे पूरे ही हैं. यस, 8, 9, 10. अच्छा भाई, ये मैशिंग वाला मॉड्यूल खोल दो यार. अच्छा, यूनिट्स इसके US कस्टमरी यूनिट्स हैं, इंचेस इंचेस वाले. अच्छा, इस बॉडी को मैश मैशिंग के लिए पहले इस पे फेस मैशिंग इस पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है.
इस पे हम डायरेक्टली साइजिंग देते हैं बस। काफ़ी 3 4 तरीके हम देख चुके हैं। साइजिंग वाला एक तरीका है जिसमें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि ऑटोमेटिक मैशिंग जनरल बस वो दे दें कि कितने होने चाहिए, एलिमेंट साइज कितना होना चाहिए। दिस मैशिंग करेंगे साइजिंग से। साइजिंग के लिए हम इसको चार ये लेंगे, 4 रेडियल लाइंस, इनर वाली, इनर सर्कल की रेडियस लाइन, आउटर वाले की, ये आउटर पिछले वाले की और ये वाली, ठीक है। इन चारों पे हम इक्वल डायमेंशन, इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स देंगे, तो ये मैं चारों को पट्टी सेलेक्ट कर दी। इसको अप्लाई कर दें, एलिमेंट साइज की बजाय नंबर ऑफ डिविजन चले जाए, और इसको 150 कर देता हूँ। बिहेवियर इसका हम हार्ड रखते होते हैं, ठीक है। बायसिंग हम इसमें ऐड नहीं करनी, बायसिंग पता नहीं आप देखिए कि नहीं, लेकिन वो आपको यहीं बता दूंगा बायसिंग करती है। तो ये 4 एजेस पे नंबर ऑफ डिविजन्स डिफाइन हो गई हैं। इस मैश को आप जनरेट कर दें। आपके पास एक मैश जनरेट हो गया। अच्छा, ये बॉडी ठीक ड्रॉ नहीं हुई मेरा ख्याल है। आधी जो हमने सरफेस बनाई हुई है वो सरफेस भी आ रही है, और जो एक्सट्रूजन की है वो भी आ रही है। इसका मतलब कि जब बॉडी एक्सट्रूड करनी होती है तो सरफेस नहीं ड्रॉ करते। ये मैं पीछे जाके सारा कर का सकता हूँ। सरफेस आपने सरफेस की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, सरफेस अगर कर रहे हैं और यहाँ से थिकनेस देते हैं तब शायद वो इफेक्ट आ जाए जो हम एक्सट्रूजन से लेके आते हैं। मैं ज्योमेट्री में से चेक करता हूँ दोबारा, अगर सरफेस के बगैर बन जाती है तो सरफेस सर ये ठीक उधर से ही सब हो जाती है। है, उधर से ही कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक बॉडी आ रही है। इसका मतलब है कि उसको स्केच फ्रॉम सरफेस किए बगैर ही एक्सट्रूड कर दें, बस दो बॉडीज ना क्रिएट हो। एक बॉडी हमारे पास वो सरफेस बॉडी थी जो हमने कॉन्सेप्ट एंड सरफेस फ्रॉम स्केचेस से की, और दूसरी एक्सट्रूजन वाली बॉडी थी, तो दो बॉडी आ गई सर एक इसमें। क्वेश्चन है सर, जी ये जो आपके मैश में लाइक हमने साइजिंग की थी, तो हमने ज्योमेट्री में ये क्या जो एजेस हैं कौन से सिलेक्ट किए थे, ये फ्रंट और बैक दोनों? जी ये 4 एजेस
अच्छा वो पिछले वाले नहीं होंगे इसमें, ये भी और ये भी, चार है फ्रंट बैक दोनों। सर हमने एज सेलेक्ट किए हैं, प्लेन सेलेक्ट किए हैं। एज कमांड प्लेन पे नहीं लगती इस तरह। अच्छा देखिए ये वाली जो सरफेस है, आउटर सरफेस सरफेस, इस पे स्ट्रक्चर्ड मैश बना है और इस वाली पे स्ट्रक्चर्ड नहीं बना। इसको भी स्ट्रक्चर्ड करने के में यहाँ इसको रेडियली भी नंबर ऑफ डिविजन देने चाहिए। ये जो रेडियल लाइन या प्लेन यहाँ पे जो बनेगा वो अभी हमने प्लेन ड्रॉ किया हुआ और ना ही हमें ज़रूरत है ड्रॉ करने की। अगर ना पड़े तो हम यहाँ पे एक रेडियली प्लेन ड्रॉ करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अलॉन्ग जिस तरह हमने इस पे, क्योंकि किसी एज पे साइजिंग देनी पड़ती है, जिस तरह एज ड्रॉ हुआ हुआ है इस पे हमने साइजिंग दी है, तो यहाँ पे जब एक रेडियल एज होगा उस पर भी हम साइजिंग दे सकते हैं। तो ये रहता है मैश पे, सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर करना पड़े तो। नंबर ऑफ डिविजन कम लग रही है, मैं 200 करके देख लेता हूँ। इस प्रॉब्लम में मैश इंडिपेंडेंस ने स्टडी नहीं की हुई, तो ये मैश इंडिपेंडेंस किसी हर प्रॉब्लम में लाजमी स्टडी करनी होती है। हम भी इस करेंगे, उससे नहीं की हम नहीं करें, लेकिन मैं आपको वैसा कि करनी ये लाजमी होती है। दरमियान से मैश बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ, वैसा का वैसे ही है। इसको प्रॉपर तरह मैश करने के लिए बेहतर है इस सर्कल को चार क्वार्टर में डिवाइड करें, सेंटर से अलोंग वाई एक्स, और उन पे उन जो उस डिवीजन से जो रेडियल लाइंस बन रही होगी उनको भी नंबर ऑफ डिवीजन पूरा, फिर उस तरह हो जाता है स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा पूरा। अच्छा बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या है, इनर रेडियस पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और आउटर पे भी एक टेम्परेचर की वैल्यू है, इनर पे 400 फ़ारेनहाइट है और आउटर पे 80 फ़ारेनहाइट है। स्टडी स्टेट को क्लिक करें, इंसर्ट टेम्परेचर, ये इनर वाली हमने ट्यूब पूरी सेलेक्ट कर ली और टेम्परेचर है 400। इसको रीनेम कर दें टेम्परेचर इनर रेडियस, फिर इंसर्ट करें टेम्परेचर आउटर सरफेस पे और आउटर पे 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसको भी बेशक रीनेम करें टेम्परेचर आउटर। अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अगेन अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया सोल्यूशन क्या विजुलाइज करना, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व होती है, क्योंकि जिस तरह FEM में जब हम डिस्प्लेसमेंट्स के लिए FEM कर रहे होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर्स के लिए, तो हमें हर दफ़ा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है और हम फिर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, फिर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट से ही हम सब चीज़ें निकालते हैं। तो एंसर्स को बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है, स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ही कंप्यूट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे आउटपुट में कुछ ना भी दें तो वो कंप्यूटेशन फिर भी कर देता है। इसी तरह जब ये थर्मल एनालिसिस होता है FEM के थ्रू, टेम्परेचर्स कंप्यूट करने होते हैं, उन टेम्परेचर्स को यूज़ करके फिर एंट्रोपीज एंथैल्पीज वो सब चीज़ें रहती हैं, हीट फ्लक्सेस सब चीज़ें। तो इसमें भी हमने इसको कुछ बताया नहीं है कि आउटपुट में क्या कंप्यूट करना है, लेकिन वो उसको पहले से ही पता है कि टेम्परेचर तो कंप्यूट करने ही करने, टेम्परेचर वो खुद ही कंप्यूट कर देगा। मैकेनिक्स में भी इसी तरह होता है कि वेलोसिटीज और प्रेशर्स लाजमी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ ना भी सॉल्वर को बताएं कि क्या सॉल्व करना है तो वो वेलोसिटीज और प्रेशर्स खुद ही निकाल देगा। उसके बाद जो एडिशनल कंप्यूटेशन है वो उन्हीं के थ्रू होती है कि कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकालना है या नहीं निकालना, शियर स्ट्रेस, जब सब चीज़ें लिफ्ट ड्रैग, ये बाकी सब चीज़ें वेलोसिटी और प्रेशर से निकल आती हैं।
अच्छा सिस्टम सॉल्व हो गया, अब विजुअलाइज करने के लिए हम टेम्परेचर देख लें। ऑल बॉडीज पे होगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व दबा दें। इस टाइम सॉल्व जब आप सेकंड टाइम दबाते हैं तो जल्दी हो जाती है, एक्चुअल में सेकंड टाइम सोल्यूशन सॉल्व नहीं कर, ये जो सोल्यूशन सॉल्व हुआ हुआ है पहले से, वो पहले से कर चुका था जब हमने पिछली दफ़ा रन किया था। इस दफ़ा सिर्फ वो ये करता है, आप उसके पास नोड्स पे सिर्फ वैल्यूज होती हैं इन सेल्स के नोड्स पे या सेंटर्स पे, डिपेंड करता है किस तरह सॉल्व करता है एंसर, तो जहाँ भी होती हैं उनको वो इंटरप्रेट करके पूरी बॉडी पे शो कर देता है बस। ये बाकी इंटरपोलेटेड है, मतलब जो सेल के इन साइड पे जो वैल्यूज हैं। FEM यूजली नोड्स पे सॉल्व होती है, तो ये भी नोड्स पे ही सॉल्व हो गया। अच्छा इसमें एक चीज रह गई है, हमने वो नहीं दी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं दी इस मटेरियल की, और ये मटेरियल एज स्टील डिफाइन हुआ है। अगर तो वो थर्मल कंडक्टिविटी जो इस मैनुअल में दी हुई है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो अगर स्टील की वाली है तब तो ये एनालिसिस ठीक होगा, और अगर स्टील वाली नहीं है तो एनालिसिस गलत होगा। वो हमने चेंज करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है। अच्छा ये वायर फ्रेम मॉडल है, इसमें एक्सपेंशन कोई नहीं है क्योंकि हमने थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो एक्सपेंशन नहीं हुई इसमें, ठीक है। और वो मॉड्यूल भी पता नहीं ऑन है कि नहीं, या एंसिस बैटल करता भी है कि नहीं, तो थर्मल करता है कोई एक मॉड्यूल है, मैंने की भी है, मुझे याद नहीं है किस मॉड्यूल में थर्मल एक्सपेंशन चेक करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं है। अगर लेकिन इन केस हो भी, अगर इस तरह की बॉडी हो, फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, फ्लूइड है बाहर, कोल्डर फ्लूइड है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, उसमें थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी या कैसे पता चलेगी? सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बॉडी हो, एक फॉर एग्जांपल रॉड, एक बीम है, एक बार है, जो भी है, या एक पाइप है, उसको आप हीट करना शुरू करते हैं तो वो थर्मल जाना उसकी वजह से एक्सपेंड करता है, तो उसमें एक प्रोड्यूस होती है डेल्टा एल के इक्वल, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज स्ट्रेन करके, स्ट्रेन मेजर करके उसको हम लोग इलास्टिक मॉडल से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेस आ जाएगा। ये गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि किसी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी को कंस्ट्रेंट होना चाहिए। थर्मल स्ट्रेस भी तब प्रोड्यूस होगा जब आप एक किसी रॉड या बीम को हीट करते हैं और दोनों तरफ से उसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं, उसको मूव नहीं होने देते, तब थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और अगर दोनों तरफ से कंस्ट्रेंट है तो उसमें स्ट्रेन जीरो होगा लेकिन थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा, और अगर वो बॉडी फ्री है मूव करने के लिए तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेस कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आपको पहले कहा था फ्री सर्फेसिस या फ्री में स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है, हमने पहले भी एक बार किसी प्रॉब्लम में देखी थी। तो इस तरह के पाइप अंदर से हीट किया हुआ, अगर तो बाहर से कंस्ट्रेंट है, बाहर से डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब तो इसमें प्रोड्यूस होगा थर्मल स्ट्रेस, लेकिन अगर बाहर से कंस्ट्रेंट नहीं है तो इसमें स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जब चीज़ एक्सपेंड करती रहे जितनी मर्जी करती रहे वो कभी ब्रेक नहीं होती। थर्मल स्ट्रेस की वजह से ब्रेक होगी जब दूसरी तरफ से आपने कंस्ट्रेंट की हुई है, तब वो हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा हीट फ्लक्स भी इसमें देख लें, इसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन राइट क्लिक इंसर्ट थर्मल टोटल हीट सॉल्व, ये हमारे पास हीट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो मैनुअल में वैल्यू दी हुई है वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अच्छा मैनुअल में पहले बात ये BTUs पर सेकंड फीट स्क्वायर में, तो इसको यहाँ से वैल्यू, ठीक है, अभी भी मैनुअल हमारी वैल्यू सेम नहीं है,
मेरा गैस ये कि जो इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वो गलत है, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं, इसको सेव कर। ये थर्मल कंडक्टिविटी, आइसोट्रॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू मैनुअल में दी हुई थी कहीं, जिसको वो कापा कह रहा है के या स्मॉल के कापा जो। इसकी वैल्यू है 0.04 BTU पर फुट आवर समथिंग समथिंग। BTU पर सेकंड पर आवर, ये वाला BTU पर फोर्स, यस दिस वन। इसकी वैल्यू है 0.04। अच्छा, इसकी वजह से ये डाटा सारा ख़राब है, अपडेट करके दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई है तो अब सारे टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नहीं होंगे क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशंस है। यहाँ पे हमने 40 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 80 दिया हुआ है, और कोई एडिशनल सोर्स नहीं है टेम्परेचर की। तो बेशक थर्मल कंडक्टिविटी 1000 हो, बेशक 1 हो, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर यही आएंगे। बीच में प्रोफाइल डिफरेंट हो जाएगा सिर्फ, लेकिन बाकी टेम्परेचर वही आएंगे। तुमको दोबारा सॉल्व कर ले। ये मिनिमम टेम्परेचर ही है, हमने आउटर बाउंड्री पे दिया हुआ है, मैक्सिमम 400 ही है, ठीक है। इसको हम जितना मर्जी चेंज कर लें थर्मल कंडक्टिविटी को, ये टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम यही रहेंगे। जो प्रोफाइल है वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। ये वैल्यूज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। ये थर्मल कंडक्टिविटी की ये वैल्यू भी गलत है। ये इशू सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी का है, कोई किसी एक वैल्यू पर यह ठीक होगा, बल्कि एरिया का भी हो सकता है। हाँ ठीक है, एरिया का भी इशू हो सकता है क्योंकि हीट फ्लक्स की इक्वेशन थर्मल कंडक्टिविटी भी आती है, एरिया भी आता है। अगर ये पाइप जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा इस पर असर होगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पे हमें हीट ट्रांसफर
पर यूनिट लेंथ रिपोर्ट करना चाहिए, जिसको क्यू प्राइम भी कहते होते हैं। तब ये वैल्यूज हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 2 इंच का पाइप लिया है और जो मैनुअल है उसमें जो एक्चुअल लेंथ है 10 फीट है। ठीक है, इसका एनालिटिकल सोल्यूशन प्लॉट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एनालिटिकल हम बाद में करते हैं, पहले इसका वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है वही प्लॉट करते हैं। अलोंग द रेडियस प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है ये प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए हम पाथ डिफाइन करते होते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री से हम पाथ ऐड करते हैं। 2 पॉइंट्स पे हमने पाथ डिफाइन करना है, यूनिट्स को हम वापस इंचेस में लेके जाते हैं। जो हमने स्टार्ट करना है जेड में उसको 0 ही रखना है, वाई में उसका कोऑर्डिनेट रेडियस से स्टार्ट होगा, जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस था 2 इंचेस। ठीक है, और एक्स में भी वो 0 है पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो भी 0 ही होगा, एक्स में नहीं मूव कराना, वाई में मूव कराना है आउटर रेडियस के ऊपर 4 इंचेस, मूव नहीं कराना, 0। ये हमारे पास एक पाथ। अच्छा, अब हम अगर टेम्परेचर ऐड करें मैट्री के अंदर पाथ, ये हमारे पास इस पाथ के ये प्रोफाइल आ गए। ठीक है, क्लोज टू लीनियर है ऑलमोस्ट, लेकिन लीनियर है नहीं। तो नीचे एक वार्निंग आती है जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो? हाँ, मेरे पास भी आती है, पता नहीं क्यों आती है। रहने दो उसे, अच्छा इसका आपके पास ग्राफ भी आता है, ये टेबुलर डेटा भी आता है जिससे उसने ग्राफ प्लॉट किया हो। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट एक्सेल में करना है, जिसमें भी करना है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लें, एक्सपोर्ट कर दें, एक्सेल में भी एक्सपोर्ट होता है, टेक्स्ट फाइल में भी हो जाता है, तो आपके पास एक्सेल में ये प्लॉट हो जाएगा। किसी प्रोजेक्ट में करना हो तो इस तरह ठीक तरह एक्सपोर्ट करके प्लॉट करना। डेक्स पर जाओ, एक्सेल फाइल, कोई ये डाटा आ गया। ठीक है, 49 पॉइंट्स पे उसने ये डाटा दिया, बट यहाँ पे वो लेंथ की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है। लेंथ की वैल्यू जरूरी नहीं है, लेंथ ये इस तरह रिकॉर्ड कर रहा है, 0 इसको कह रहा है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लॉट किया होता है, मतलब पाथ जो 0.1 होता है उसको ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, और टोटल लेंथ इसकी 2 इंचेस है, क्योंकि आउटर 4 इंचेस का है, 2 इंचेस का है, तो लाइन ये 2 इंचेस लॉन्ग है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 इंचेस तक वो लेंथ ये लिखी हुई है, 0 से 2 इंचेस तक, बाकी टेम्परेचर आउट किए। एनालिटिकल सोल्यूशन भी आप कर सकते हैं,
अच्छा एनालिटिकल सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो प्लॉट करेंगे तो सर आ जाएगा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी ठीक भी तो। फॉर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा यही आएंगी, थर्मल कंडक्टिविटी ठीक हो या ना ठीक हो। सर ये तो सिंपल डेमोंस्ट्रेशन की के होता कैसे, थर्मल एनालिसिस ठीक है, चीज़ें सारी सेम होती हैं, ज्योमेट्री उसी तरह बनाते हैं, मेशिंग बिल्कुल सेम, सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस में मॉड्यूल हम स्टडी स्टेट थर्मल लोड करते हैं। अच्छा थर्मल इसमें नहीं है, वैसे ट्रांजिएंट थर्मल यूजुअली फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हैं, सीएफटी सॉल्वर से, इसमें पता नहीं है, लेकिन ये स्टडी स्टेट थर्मल का अलग मॉड्यूल है। अच्छा बाउंड्री की जगह हम पहले उसमें हम डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट लगाते थे और फोर्सेस लगा के सॉल्व करते थे, इसमें हम टेम्परेचर्स दे के हीट फ्लक्सेस जनरेशन इस तरह की चीज़ें दे के सॉल्व करते हैं। बाकी एग्जैक्टली सेम चीज़ें, प्लॉट सिर्फ टेम्परेचर होता है, यही एक्सपेरिमेंट नंबर वन यही है। अच्छा इसमें उसने मैश इंडिपेंडेंस नहीं देखी, एक्सपेरिमेंट में वो टाइम बचाने के लिए नहीं देखता ठीक है, लेकिन कोई भी एफ ई एम एनालिसिस करने से पहले आपके पास एनालिटिकल या एक्सपेरिमेंटल या किसी और के न्यूमेरिकल लाजमी होनी चाहिए पहली बात उसको कंपेयर करने के, अगर किसी के भी नहीं है तो मैश इंडिपेंडेंस लाजमी होनी चाहिए, मैश इंडिपेंडेंस वैसे भी होनी चाहिए अगर रिजल्ट है अभी, मैश इंडिपेंडेंस स्टडी न्यूमेरिकल मेथड्स में लाजमी है क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स में न्यूमेरिकल होते हैं और उनको ये आपको इंश्योर करना होता है कि आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ किया उस पर न्यूमेरिकल एरर्स मिनिमम है, कुछ ना कुछ तो फिर भी होते हैं लेकिन में उसमें राउंड ऑफ एरर्स, ये मैश के एरर्स, कन्वर्ट एरर्स सब चीज़ें आती हैं। बाउंड्री कंडीशंस तो गलत लगाएंगे आंसर तो वैसे गलत आएगा, ये भी ठीक लगानी होती है और ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं कि जिस तरह हमने इसका इसकी लेंथ हमने कम की है तो हमारे पास हीट फ्लक्स एग्जैक्टली नहीं आया ठीक है, हीट फ्लक्स सेम लाने लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि हीट फ्लक्स करता है एरिया कितना है, या दूसरा तरीका यह है कि पर यूनिट लेंथ हीट फ्लक्स निकाल लें। एचएमटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में और जब भी कोई पाइप वाली प्रॉब्लम आती है तो वो पर यूनिट लेंथ हीट ट्रांसफर निकालता है और वो इसीलिए पर यूनिट लेंथ निकालता है क्योंकि एरिया पर डिपेंड करती है। जी अच्छा क्वेश्चन हो किसी का तो इसमें, क्लास के प्रोजेक्ट सर ने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल लेंगे ग्रुप में लेंगे किस तरह करेंगे, मेरा ख्याल है इंडिविजुअल क्या है, जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी इंडिविजुअल कहा था उसके बाद कुछ कोई डिस्कशन नहीं की। अच्छा मैं सर से पूछ लेता हूँ, क्लास में कितना काम हुआ किस टॉपिक पे हो, किसी को नहीं पता सर, बीम तक पढ़ा है हमने, बीम्स तक, बीम एंड तक मतलब, ट्रस पढ़ चुके हो, 2D ट्रस, जी सर पढ़ चुके, यस सर, ठीक है अच्छा, अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट आज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक लैब उसके लिए हो प्रेजेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट इंडिविजुअल है तो प्रेजेंटेशन भी होगी और छोटी छोटी 5 मिनट 10 मिनट इस तरह
5 मिनट वैसे बहुत होते हैं, 10 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट से लंबी नहीं होगी। सर आपने k की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी है जल्दी से बस बता दें। k की वैल्यू मैंने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जाके चेंज की, इंजीनियरिंग डेटा में, यहाँ पे ये इधर में क्या था, बाय डिफॉल्ट स्टील था, मैंने स्टील की चेंज कर दी है। वैसे क्लिक टू ऐड न्यू मटेरियल करके उसके भी देखते हैं, ये थर्मल प्रॉपर्टीज में होता है, थर्मल आइसोट्रॉपिक थर्मल। ठीक है सर, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10, वो भी स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस है, लेकिन वो है एक फ्लैट प्लेट का, हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर डोमेन 2D कंडक्शन। ठीक है, ये उसने स्टडी स्टेट में टाइम डिपेंडेंट वो नहीं होते इफेक्ट्स, वो उसने बताया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी चीज़ का जीरो होगा। ये अच्छा, ये सारी चीज़ें सॉल्व एनर्जी इक्वेशन से होती हैं, ये आपको पता होगा। वैसे आपके पास होती है एक मोमेंटम इक्वेशन जिससे आप फ्लूइड के प्रेशर्स और वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, और एक एनर्जी इक्वेशन है या टेम्परेचर इक्वेशन, ये वो भी नेवियर स्टोक्स से बड़ी मिलती जुलती होती है, उसमें भी कन्वेक्शन टर्म और ये सारी टर्म होती है। इधर नहीं लिखी हुई, ये तो सारी कंडक्शन की है सिर्फ, उस पे कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन ट्रांसफर कोई इफेक्ट, वो जिस तरह फ्लूइड्स की होती है उसी तरह की होती है बिल्कुल। तो ये सॉल्व वो हो रही होती है उसमें, जिस तरह फ्लूइड्स के अंदर डेरिवेटिव्स वेलोसिटीज और प्रेशर्स के होते हैं, इसमें डेरिवेटिव्स टेम्परेचर के होते हैं। ये जिस तरह टेम्परेचर की डिफ्यूजन इक्वेशन है, ये जो पार्शल बाय पार्शल लिखा हुआ है, अच्छा ये एनालिसिस नॉन डायमेंशनल है। नॉन डायमेंशनल एनालिसिस में ये करते हैं कि टेम्परेचर को नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं इस इक्वेशन से, जो भी आपकी टेम्परेचर की वैल्यू उसमें से फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर या जो कन्वेक्शन का टेम्परेचर है, इन्फिनिटी वाला यूजली फ्री स्ट्रीम होता है, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टी नॉट किसी बाउंड्री का टेम्परेचर जो लोएस्ट बाउंड्री है, माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी ये वो कन्वेक्शन का टेम्परेचर होगा, और टी माइनस टी इन्फिनिटी ये टी इन्फिनिटी वही वाला जो नीचे वाला फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। कोऑर्डिनेट्स नॉर्मलाइज करता है, विड से उसने नॉर्मलाइज किया हुआ है एक्स को भी वाई को भी। ठीक है, ये उसने एक्स स्टार वाई स्टार उतनी आपने देखे हैं कि ये एक नोटेशन है इस तरह चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की, एच को भी उसने नॉर्मलाइज किया उसी तरह। बायोट नंबर एक नॉन डायमेंशनल नंबर होता है जो ये डिफाइन करता है कि किसी फ्लूइड में कितना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर और कंडक्शन की रेशो है।
इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि किसी बॉडी को एज अ लम्प्ड मैस ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा लम्प्ड मैस बॉडीज ये होती हैं कि जिसमें कंडक्शन इफेक्ट्स इग्नोर कर देते हैं और कि कुछ भी नहीं कर सकते. इस केस में हम कंडक्शन इफेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते, नंबर बड़ा है, छोटा हो तो कर सकते. अच्छा, लेफ्ट वॉल पे एडियाबैटिक बाउंड्री है, ऊपर भी एडियाबैटिक बाउंड्री है, राइट साइड पे एक बायोट नंबर है, थीटा का फंक्शन है. इसका मतलब है कि राइट साइड राइट हैंड पे कन्वेक्शन हो रही है. ठीक है, बायोट नंबर कन्वेक्शन को डिनोट करता है और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये टेम्परेचर का ग्रेडियंट यहाँ पे आ रहा है. ये कन्वेक्शन ग्रेडियंट है और ये एक आइसोथर्मल बाउंड्री है नीचे वाली. अच्छा, किसी भी चीज नॉन डायमेंशनलाइज किया जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है. इस तरह के केसेस में जिस तरह टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मिन वैल्यू 0 हो जाएगी. तो जहाँ भी हमें एडियाबैटिक बाउंड्रीज देनी होगी वहाँ हम 0 दे देंगे, और जहाँ हमें आइसोथर्मल बाउंड्री देनी है वहाँ 1 दे देंगे. ये मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 1 है. ठीक है, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल की थी उसमें इनर सरफेस का जो टेम्परेचर था वो 400 था और आउटर सरफेस का 80 था. अगर हम इसको डायमेंशनलाइज करें तो इनर सरफेस का टेम्परेचर 1 हो जाएगा और आउटर सरफेस का 0 हो जाएगा. ज्योमेट्री मॉडल करके इस पे एनालिसिस बिल्कुल उसी तरह ही है. ये अभी हम कर लेते हैं. स्टेट थर्मल एनालिसिस ये है, यही वाला मॉड्यूल लोड करें. अच्छा, इस दफा हमारी ज्योमेट्री डायमेंशनल है. ठीक है, यहाँ से 2 डायमेंशन सेट कर लें. ये आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2D करके आप आगे जाएं तो आंसर उसको खुद ही 2D कर देता है इस एनालिसिस टाइप को. लेकिन बेहतर है कर दें, किसी क्या पता किसी किसी जगह ना करें. डिजाइन मॉडलर में ज्योमेट्री बनाते हैं, इसको खोल लें. अच्छा, प्लेन शो करने के लिए हम ये एक्स वाई प्लेन दबाते थे और उसके नॉर्मल वाला दबाएं तो अलाइन हो जाता है. एक ये भी तरीका होता है अलाइन करने का, यहाँ पे होता है लुक एट फेस सेट प्लेन ऑफ स्केच. ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उस पर अलाइन हो जाएगा. इसको करेंगे एक्स जेड किया हुआ तो उस पर अलाइन हो जाएगा. एक्स वाई पे अलाइन कर दें. अच्छा, ये प्रॉब्लम्स, अच्छा ये प्रॉब्लम डायमेंशन लेस है. ठीक है, और डायमेंशन लेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको डायमेंशन देनी तो पड़ती है फिर भी, क्योंकि एनसिस को ये हमें बताना पड़ता है कि मीटर्स में लेंथ है, इंचेस में लेंथ है, किस में लेंथ है. ठीक है, नॉन डायमेंशनल का सिर्फ ये मतलब होगा कि हम टेम्परेचर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू देने के बजाय हम नॉन डायमेंशनल वैल्यूज दे देंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर मैक्सिमम 1 दे देंगे, मिनिमम वाला 0 दे देंगे, और लेंथ और विड्थ हम उस तरह ही रहने देंगे मीटर्स भाई. ठीक है, इसको मीटर में ही रहने दें. प्लेट ड्रॉ करने के लिए यहाँ स्केचिंग में जाएं और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लें. इस पॉइंट से यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया. ठीक है, डायमेंशन इसकी वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. अच्छा, ये भी आपने देखना है कि अब ये डायमेंशन रखनी कितनी है. ये उससे बताया हुआ है एच स्टार जो कि नॉन डायमेंशनल एच है. अच्छा, उसने किसी हर जना एक ही क्वांटिटी को एक ही जैसी क्वांटिटी एक ही चीज़ से नॉर्मलाइज करना होता है. फॉर एग्जांपल सारी लेंथ, एक्स भी एक लेंथ है, वाई भी लेंथ है, एच भी लेंथ है, इन सब को उसने डब्ल्यू से नॉर्मलाइज किया हुआ. ठीक है, और इसमें वो कह रहा है कि एच जो है एच स्टार जो है जो कि नॉन डायमेंशनल हाइट है वो है एच जो कि डायमेंशनल हाइट है डिवाइडेड बाय विड्थ. क्योंकि हाइट एच के भी यूनिट्स मीटर्स में या जो भी इंचेस में होंगे वही यूनिट्स विड्थ के होंगे, तो ये दोनों आप इसमें कैंसिल हो जाते हैं, ये नॉन डायमेंशनल नंबर बन जाता है. उसको स्टार डिनोट किया हुआ. अच्छा, ये जो इस फिगर में जो सारे नंबर्स हैं ये थीटा एक्स वाई ये सारे एक्स वाई स्टार हैं,
ये सिर्फ उसने इसलिए नहीं ड्रॉ किए लिखे हुए ताकि वो क्लटर ना हो जाए ये सारा, ठीक है। ये सारे नॉन एच, ये भी एच स्टार है, ये भी डब्ल्यू स्टार है। अच्छा, हाइट बाय विड्थ इज इक्वल टू टू उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये रेशो दी हुई है, हाइट की रेशो टू है, इसका मतलब है कि हाइट इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ, ठीक है। जो विड्थ है उसको 1 meter रखते हैं और हाइट को हम 2 कर देंगे, तो अब हाइट इज द विड्थ, ठीक है। ये इसको हाइट से नहीं कंफ्यूज करना, ये जो h है ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है जो कि विड्थ है इस प्लेट की, और v वर्टिकल डायमेंशन है। इसको बस अब हम वो सरफेस फ्रॉम स्केचेस करके एक सरफेस बना लेंगे। अच्छा, स्केच को पहले जनरेट करना पड़ता है, स्केच जनरेट स्केच, फिर इसको क्लिक करें, कॉन्सेप्ट सरफेस फ्रॉम स्केचेस अप्लाई और जनरेट, ठीक है। ये एक सरफेस बॉडी बन गई, सॉलिड नहीं सरफेस बॉडी, सॉलिड बॉडी एनसेस उसको जो 3 dimensional होती है, सरफेस बॉडी जिसमें सिर्फ सरफेस 2D और लाइन बॉडी जो 1 dimensional होती है। अच्छा, सरफेस बॉडी बन गई, इसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है, हम बाद में जाके चेंज करेंगे। पहले हम इसको मैश दें, फिर प्रॉपर्टीज इसकी चेंज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर लें। मैश को राइट क्लिक करें और एडिट। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करा दूं, फिर मैं कुछ मिड टर्म्स आपको दिखा दूंगा कि किस तरह किए हैं आपने और करना क्या था। फाइनल के लिए हम डिस्कस कर लेंगे कि एनालिटिकल ऑप्शन देना या नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक वही 2D सरफेस आ गई जो हमने ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। मटेरियल इसका जो डिफाइन हुआ होगा वो वही डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चरल स्टील होता है, इसको हमने बाद में या तो स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज कर लेंगे या फिर यहाँ से हम नया मटेरियल ऐड करके इधर दे देंगे। तो इसकी मेशिंग करते हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट साइजिंग, ठीक है। लेफ्ट वाला एज सेलेक्ट, राइट वाला सेलेक्ट करें, अप्लाई। ये 2 edges हो गए हमारे पास। इसको जाएं यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स में, ठीक है। एग्जांपल मैं इसको वर्टिकली 10 divisions दे देता हूँ। ये मैश स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए अगर मैंने वर्टिकली 10 divisions दी हैं तो मैं हॉरिजॉन्टली कितनी डिविजन्स दूँ ताकि मैश स्क्वायर बने। ट्वेंटी ये हॉरिजॉन्टली, ये जो विड्थ है इसकी, विड्थ बड़ी है या हाइट बड़ी है? सर हाइट बड़ी है सर, 5 देंगे सर। तो हाइट में अगर 10 दिए तो विड्थ में कितनी दूंगा स्क्वायर करने के लिए? इसको 5 दूंगा, सही। नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ से 5 कर दें, इसको हार्ड कर दें, पिछला वाला भी हार्ड कर दें, पिछला वाला नहीं किया, ये बिहेवियर हार्ड हो गया इसका।
अच्छा अभी भी जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। अरे ये यूनिट्स मीटर में है या इंचेस में? यूनिट्स आपके मीटर्स में, लेकिन अभी हम यहाँ डायमेंशनिंग दे यूनिट्स, ये सिर्फ वो यूनिट्स हैं जो आपको शो, ठीक है, इससे कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही क्योंकि ज्योमेट्री हम पहले ड्रॉ कर चुके मीटर्स में ड्रॉ की। ये बात समझ आई? जी सर। आज फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेम्परेचर प्लॉट करूँ और यूनिट्स मैंने इसमें रखे हुए तो फ़ारेनहाइट में प्लॉट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और उसको मैट्रिक में कर दूँ तो मैट्रिक में प्लॉट हो जाएगा, और टेम्परेचर की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, सिर्फ उसके यूनिट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन दोनों तरह ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब आप खुद जो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फोर्स ऐड की वो मैं न्यूटन में पाउंड्स में ऐड करूँ, इससे फ़र्क पड़ता है। जो सोल्यूशन मुझे एंसिस ने खुद देना है ना, वो आप यहाँ से यूनिट्स चेंज करेंगे तो एंसिस ऑटोमेटिकली सोल्यूशन खुद चेंज कर उस यूनिट्स के मुताबिक। तो ठीक है, इसको मीटर्स में ही रखें, हमने मीटर में ड्रॉ किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे फर्क तब पड़ेगा जब हम बाउंड्री कंडीशन दे रहे होंगे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन एंसिस ही चाहिए होती है। अच्छा, इस ये मैश अनस्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड ही है लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़ा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसकी फेस मैशिंग नहीं की हुई। मैं आपको कोई एज बढ़ा देता हूँ, ये देखें, ये सारे मिलने, ये इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर्ड मैशिंग नहीं हुई। स्ट्रक्चर्ड मैश करने के लिए हमें इसको मैशिंग भी अप्लाई करनी पड़ती है। इंसर्ट मैश क्लिक करें, इंसर्ट फेस मैशिंग, फेस सेलेक्ट कर लें, पूरा प्लेन अप्लाई, और अब हम नंबर ऑफ डिवीजन सब ठीक देंगे तो यहाँ ठीक बन जाएगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर्ड मैश बनाए। अच्छा, स्क्वायर करने के लिए दोबारा बताओ, एड साइजिंग सर आपने दो दफा एड किया? जी, दो दफा इसलिए ऐड किए क्योंकि दो एजेस अनइक्वल हैं, आप इसमें चार एजेस हैं, टोटल दो इक्वल हैं और दो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। राइट वाला इक्वल है, इसको कट्ठे साइजिंग दी है, और टॉप और बॉटम वाला इक्वल है, इसको कट्ठे साइजिंग दी है, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर मैश ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल जो है ना सीधा, पिछला वाला थोड़ा सा टेढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था। ये इसको स्ट्रक्चर्ड मैश करने के लिए फेस मैशिंग आपको ऑन करनी पड़ती है। दोबारा बोलना यार, जी भाई आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। Yes, no. सर आ रही है, ठीक है सर, बोल रहा था उसकी साइड।
अच्छा, उससे क्या क्वेश्चन है तो टाइप कर दे कहीं चैट में, देख लो। इसमें मशीन कर दी इसकी, तो अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेगी। अच्छा, ये नॉन डायमेंशनलाइज बाउंड्रीज कैसे हुई हुई हैं, और ये मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ये आप एचएमटी में खुद ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिक्स करने का फ़ायदा नहीं है मेरा ख्याल में, वैसे भी लैब का काम है ये, वैसे मुश्किल भी नहीं है। डायमेंशनलाइज कैसे होता है ये आपकी एचएमटी की बुक में लिखा हुआ है, ईजी है। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस में हमारे पास पहली दो वो थी। अच्छा, ये एनसीज इसको बाय डिफॉल्ट 3D कर देता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये होता 3D नहीं है, ये आपको पहले ही पता है। क्योंकि जब आप इसको बाउंड्री कंडीशन भी देने जाएंगे ना, तो इसको वो 2D कर देता है। ये हमने जब बीम वाली प्रॉब्लम की थी ये तब भी आपने देखा था, तो असल में ये बॉडी 2D है। एनसीज का डिफॉल्ट सॉल्वर के लिए बना होता है, इसलिए वो इसको जाना यूनिट विड्थ यूनिट डेप्थ दे के खुद ही सॉल्व करता है, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बाउंड्री देनी है आपने, अच्छा हमारी बॉडी की जो बॉटम एज था उस पे एक टेम्परेचर की वो था हमारे पास आइसोथर्मल, और एक लेफ्ट और लेफ्ट और टॉप हमारे पास एडियाबैटिक थे, और राइट पे कन्वेक्शन। ठीक है, ये चार टेम्परेचर हमने ऐड करने हैं। अच्छा, टेम्परेचर बॉटम एज सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई कर दें, और टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड नॉन डायमेंशनल क्योंकि हमने 1 दे दिया, मतलब यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। नॉन डायमेंशनल एनालिसिस में जहाँ 1 होता है इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है, कुछ नॉन डायमेंशनल में ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो अलग डिबेट है। टेम्परेचर सिस्टम्स में नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो आपका अगर हीट जनरेशन ना हो रही हो, तो जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी बॉडी का, उससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी और सिस्टम का नहीं हो सकता, बेशक हीट ट्रांसफर जितनी होती है। ठीक है, अनलेस के हीट जनरेट कहीं से, तो इस सिस्टम में कहीं से जनरेट नहीं हो रही, इसका मतलब जो 1 टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा जाएगा। कन्वेक्शन हमने राइट एज पे ऐड करनी है, इसके लिए कन्वेक्शन को क्लिक करें, ये हमारे पास एक कन्वेक्शन का वो आ जाता है, राइट एज बाउंड्री है, इसको सेलेक्ट करें, अप्लाई करें, और कन्वेक्शन की वैल्यू हमने देनी थी 5 वॉट्स, जी 5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। फाइव वॉट पर मीटर स्क्वायर या 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये एक ही चीज़ होती है। अच्छा, एम्बियंट टेम्परेचर हमने इसमें 0 रखना है। ठीक है, इसका मतलब है हीटेड सरफेस एक्चुअल में सिर्फ ये बॉटम वाली है, राइट साइड पे कन्वेक्शन हो रही है, कन्वेक्शन के लिए कोफिशेंट की वैल्यू गिवन हो, कन्वेक्शन सॉल्व करने को चाहिए होता है, कन्वेक्शन की इक्वेशन होती है H∆T या HA∆T एरिया। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस यूनिट से सॉल्व हो रहा है, अगर एरिया नहीं लिख तो जो हीट फ्लक्स है वो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में आता है, मतलब पर यूनिट एरिया आता है, और अगर एरिया मल्टीप्लाई किया हुआ HA∆T है तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ वॉट्स में आएगा। तो इसको सॉल्व आपको कन्वेक्शन कोफिशिएंट H चाहिए इनटू, ठीक है, ∆T के लिए आपको एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो
इक्वेशन से जो सॉल्व होगा वो एन से सॉल्व करके खुद ही कंप्यूट कर देगा। और जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो आपको चाहिए, क्योंकि डेल्टा टी के लिए आपको एक बॉडी का टेम्परेचर चाहिए एम, ये उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कन्वेक्शन कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर आ जाएगी। और ये जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट एच होता है ना, ये एक आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट होता है, ये कोई वो नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है, ये किसी थ्योरी से नहीं आता, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। इस मतलब इसका ये इक्विवेलेंट टू अ कांस्टेंट है, जिस तरह आप कहें कि जिस तरह स्लोप्स होते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो स्लोप है वो कोई हो सकती है, ये एक कांस्टेंट है जो जो वाई को स्केल करता है। इसी तरह कन्वेक्शन कोफिशिएंट एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो हीट ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है डेल्टा टी पे, और जो है ना लेकिन एग्जैक्टली डेल्टा टी के इक्वल नहीं होता, तो उसको इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से कर देते हैं जिसको हम कन्वेक्शन कोफिशिएंट इस केस में कहते हैं एच। ठीक है, ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आता है, या आप इसको एस्टिमेट खुद भी कर सकते हैं न्यूमेरिकली सी एफ डी सॉल्व करके, तो भी आ जाता है। अच्छा, राइट साइड वाली बाउंड्री होगी बॉटम वाली होगी। अब दो और बाउंड्री हैं, लेफ्ट वाली और टॉप वाली। इसको राइट क्लिक करें, टेम्परेचर, लेफ्ट बाउंड्री, टॉप बाउंड्री, इसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो एक टेम्परेचर हमारे पास बॉटम एज पे जो वन की इक्वल है, राइट साइड पे कन्वेक्शन है, और लेफ्ट पे और टॉप पे हमारे पास टेम्परेचर है। अच्छा, अब इसको बस सॉल्व कर दें और सॉल्यूशन एल्गोरिथम चेक कर लेंगे। नहीं, अच्छा, उससे पहले हमें के की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। के की वैल्यू नहीं हमने स्पेसिफाई की इस केस में, बाय डिफॉल्ट इस स्टील ऐड हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को सेव कर दें, इसको क्लोज करके हम पहले इंजीनियर डेटा में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ठीक वाली डालेंगे और फिर दोबारा ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेशक इसी की एडिट कर लें, न्यू मटेरियल ऐड कर लें, और इसकी हमें आइसोट्रॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू डालनी है, और वो वैल्यू वन डालनी है। ये वन भी इसीलिए एनालिसिस नॉन डायमेंशनल है, ये आप उसमें देख लेंगे एस एम टी में कि कैसे होता है। इसको क्लोज कर दें, इसको अब रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने चाहिए, अभी भी इसमें प्रॉपर्टी ठीक वाली ऐड नहीं हुई होगी क्योंकि वहाँ पे मटेरियल इसका स्ट्रक्चरल स्टील था, अभी मटेरियल भी चेंज करना है, मटेरियल हमने नया डिफाइन किया, अगर तो उसी में एडिट कर लिया तो फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें, अगेन हमें कोई स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सॉल्व करें, वो टेम्परेचर के लिए ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा क्योंकि जो इक्वेशन अननोन होता ही टेम्परेचर है, उसके अलावा कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता।
सॉल्यूशन थर्मल टेम्परेचर यहाँ पर इंसर्ट कर दें और दोबारा सॉल्व करें तो टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी, ये टेम्परेचर प्रोफाइल बन रही है। ठीक है, इसमें हमारी बाउंड्री कंडीशंस पता नहीं ठीक हैं कि नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, वो मैटर नहीं करती। मिनिमम टेम्परेचर ज़ीरो है और मैक्सिमम वन है, क्योंकि कहीं से हीट जनरेशन नहीं हो रही तो वन से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता ही नहीं है, ज़ीरो से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं से जो ना हीट, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर भी इस एनवायरनमेंट में ज़ीरो है जो एम्बिएंट टेम्परेचर है। अच्छा, ये वाला जो सेकंड बाउंड्री है ये ऐड शायद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वैसे। हाँ, कुछ इसी तरह का सलूशन मैनुअल में दिया हुआ है उसने। अच्छा, इसको हम यहाँ से मैश ऑफ कर देते हैं, वायर फ्रेम होती है, एक्सपेंशन इसमें भी नहीं हो रही, ठीक है, वो हमने मॉड्यूल ही नहीं ऑन किया हुआ। कंटूर स्मूथ कर दें, अच्छा हीट फ्लक्स फाइंड करने के लिए इंसर्ट थर्मल टेम्परेचर, सॉरी हीट फ्लक्स, टोटल हीट फ्लक्स इसको वैल्यूएट कर दें, ये हीट फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा वो मटेरियल तो चेंज किया ही नहीं यार, एक मिनट। हाँ, ये अभी स्ट्रक्चर सील हुआ हुआ, ये एनालिसिस जो हमने किया, एनालिसिस की चीज़ें तो ठीक प्लॉट की हैं लेकिन वैल्यूज इसमें गलत आएंगी। वो हमने जो अपना नया मटेरियल डिफाइन किया था एबीसी में डिफाइन किया, एक इसको एबीसी कर दें, दोबारा सॉल्व कर लें। थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई है तो ओवरऑल जना जो फ्लक्सेज हैं उनके डायरेक्शन सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड उनके चेंज रहेंगे। ये इस तरह टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरह का है, उससे भी काफ़ी सिमिलर है और टोटल फ्लक्स ये है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा हो रही है, ऊपर नहीं हो रही, ऊपर से हीट फ्लक्स का मतलब है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है हीट फ्लूइड को, और यहाँ ऊपर वाली जगह से नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर वाली जगह से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ऊपर वाली जगह का टेम्परेचर पहले ही ज़ीरो है, ये ज़ीरो के करीब, तो इधर भी और इधर भी ज़ीरो है, एम्बियंट का भी ज़ीरो है, प्लेट का भी ज़ीरो है, तो यहाँ से हीट फ्लक्स नहीं ट्रांसफर, यहाँ से हीट नहीं ट्रांसफर हो रही। जो नीचे हमने मैक्सिमम ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे एक वन वन जो टेम्परेचर था मैक्सिमम, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है राइट साइड से, तो इसलिए हीट फ्लक्स नीचे जगह पर है, ऊपर हो रही है। ठीक है, ये हम प्लॉट करके देख लेते हैं हीट फ्लक्सेस और टेम्परेचर प्रोफाइल, ये दोनों। अच्छा, हीट फ्लक्स जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हीट फ्लक्स की डायरेक्शन होती है, और उसके वेक्टर्स प्लॉट करने के लिए अब यहाँ से ये वेक्टर प्ले और वेक्टर्स में ये प्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वेक्टर प्लॉट हुए हैं, अभी आपको शायद नजर ना आ रहे हो। इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरफ वाला जो हीट फ्लक्स है उसमें मैक्सिमम हीट फ्लक्स, ज़्यादा हीट फ्लक्स ऊपर की तरफ है, कम हीट फ्लक्स राइट की तरफ है, राइट पर बैंड हुआ है, जो इससे आगे
उनमें ज़्यादा हीट फ्लक्स राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, और जो ऊपर है उस पर टोटल जो है राइट की तरफ है, लेकिन वो बहुत रेडियंट बहुत थोड़ा है। ठीक है, इस वेक्टर को प्रोपोर्शनल प्लॉट करने का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा है उसकी लेंथ भी ज़्यादा हो उस वेक्टर की, और यूनिफॉर्म में सारे इक्वल प्लॉट होते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का अंदाज़ा होता, इसको प्रोपोर्शनल ही रहने दें। ठीक है, ये सॉलिड और लाइन फॉर्म में किस तरह प्लॉट करने हैं, ये बस वो ऑप्शन। इसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो वेक्टर्स ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, अब वो यहाँ पे एक तो हमने प्रोब देखी थी मैन्युअली ऐड करने वाली, अभी ये हीट फ्लक्स की वैल्यू दिखा रहा है, टेम्परेचर पे होंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू दिखाएगा प्रोब से। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम भी इस तरह यहाँ से प्लॉट हो जाते हैं लोकेशन, और किसी पॉइंट पे आप क्लिक कर दें तो उसका भी डाटा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएंगे पॉइंट्स। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप प्रोब अगर तो फिक्स रखनी है तो किसी जगह एक फिक्स प्रोब भी डिफाइन हो जाती है। उसको डिफाइन करने के लिए हमें फिर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, वो प्रोब लगाने ही काम पे। ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के कुछ तरीके हैं, डिफाइन बाय ज्योमेट्री सेक्शन, डिफाइन बाय ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में ये होगा कि एक्स वाई डायरेक्शन आप उसकी दे देंगे कि मतलब ग्लोबल से कितना एक्स और कितना वाई दूर है सिस्टम, या तो ये कर लें या फिर ज्योमेट्री अगर कोई सेलेक्ट करेंगे तो उसके सेंटर में वो खुद ही कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, एक्स का भी सेंटर कर सेंटर, तो ये उसने बॉडी के सेंटर में कोऑर्डिनेट खुद ही ले लिए। ठीक है, एक्स में 0.5, वाई में 1, ये सेंटर बन जाए क्योंकि टोटल इस बॉडी की 1 यूनिट है और टोटल हाइट इस बॉडी की 2 यूनिट्स है, तो विड्थ 1 यूनिट का हाफ 0.5 और 2 यूनिट्स का हाफ इसने खुद ही ले लिए। दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ से ग्लोबल कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें और ये वैल्यू आप मैनुअली यहाँ पे 0.5 मान, दोनों से तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन कर लिए। इसको रीनेम कर दें कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई भी कर लें, बस इससे डिफरेंशिएट कर लें ग्लोबल। अच्छा, अब हम सोल्यूशन में जाएंगे, इंसर्ट और प्रोब। ठीक है, ये फिक्सेस वगैरह इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली तो हमें पूरी बॉडी का देता है, अब हम जब प्रोब इंसर्ट करेंगे जिस लोकेशन पे इंसर्ट की होगी उस लोकेशन का सिर्फ टेम्परेचर आएगा। स्टैटिक एनालिसिस में तो इतना यूजफुल नहीं होता, लेकिन ये ट्रांजिएंट एनालिसिस में यूजली देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में थर्मोमीटर लगा हुआ है, उसकी लोकेशन फिक्स्ड होती है, और जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में कोई टेम्परेचर फाइंड करते हैं तो वो किसी एक लोकेशन पे होता है, मल्टीपल पे भी हो हर लोकेशन पे नहीं होता, कुछ सेट ऑफ लोकेशंस पे होता है जिसको बाद में इंटरपोलेट कर देते हैं, तो ये उसको रेप्लिकेट करने के लिए ये टेम्परेचर प्रोब। अच्छा, इसका लोकेशन मेथड या ज्योमेट्री से अगर मैं कोई वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूँ तो उस वर्टेक्स पे ये लग जाएगा प्रोब इधर एंड पे, कोई और प्रोब यहाँ से मैं एक दूसरी प्रोब डिफाइन कर देता हूँ। असल में हमने डिफाइन करनी थी उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया हुआ, यहाँ से हम जाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में और वो ग्लोबल नहीं है, अगर हम ग्लोबल करें तो ये ग्लोबल का जो रीजन है उस पर रख
हमारा हमने उसका नाम सी एस दिया हुआ है जो इस प्लेट के सेंटर में था, उसको सेलेक्ट कर लिए सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, इसको बस इन दोनों को सॉल्व कर दें। ये इस प्रोब का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेम्परेचर पहली प्रोब का है, ये दूसरी प्रोब का है। ये नीचे से मैंने विंडो बंद कर दी और ना उसमें भी आता होता है। ठीक है, ये प्रोब के लिए इस करते हैं। अब हमारे पास एक और चीज रह गई है इसमें करने को, प्लॉटिंग करना। अच्छा, ये इस प्रोब की वैल्यू ठीक है, ये अब होगी तो ठीक, लेकिन चेक करना हो तो आप यहाँ से सेवन चले जाएं और यहाँ से प्रोब सेलेक्ट करें और अंदाजन जो सेंटर में टेम्परेचर है वो खुद नोट कर लें, 0.27 समथिंग इसका, ये यहाँ पे 0.28, ठीक है, नो इक्वल टेम्परेचर। यहाँ पे इस प्रोब की लोकेशन आ रही है एक्स वाई जी लोकेशन और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, पहली प्रोब की क्या, दूसरी प्रोब ये हमने जो ऐड किए हुए हैं ये उसकी है, यहाँ से जो मैन्युअली ऐड किए थे ये तीसरा चौथा ये ठीक है, तीसरा भी प्रोब ऐड कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर ऐड करनी है तो फिर आप इस तरह करेंगे, या तो ज्योमेट्री सिलेक्शन या फिर ऑर्डिनेट सिस्टम से, दोनों तरीके हमने देख लिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन प्लॉट करते हैं कुछ पाथ्स के ऊपर, ठीक है, लेफ्ट एज के ऊपर टेम्परेचर वेरिएशन प्लॉट कर लेते हैं, सेंटर में, राइट एज के ऊपर, ठीक है, इन तीन जगहों पे, और राइट एज के ऊपर हम फ्लक्स भी देख लेते हैं, बाकी सब जगह पे हीट फ्लक्स जीरो था। राइट एज पे उसकी कोई वैल्यू, शुरू में काफ़ी सारी वैल्यू थी, बॉटम एज पे और टॉप पे बहुत कम वैल्यू थी, ऑलमोस्ट जीरो थी। सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं, मॉडल इंसर्ट कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पाथ, ठीक है, अब हम पाथ डिफाइन करते हैं मैन्युअली खुद ही, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, ठीक है, एक्स 0 वाई 0, ठीक है, एंड पॉइंट ये वाली हमने लेफ्ट एज लेना है, तो लेफ्ट एज हम वाई डिस्टेंस 2 मीटर्स है और सॉरी वाई 2 है और एक्स 0 है, ठीक है, ये लेफ्ट एज आ गए हमारे पास। इसको रीनेम कर दें लेफ्ट एज, एक और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं एक्स 0 से ही और वाई 1 से, ठीक है, ये प्लेट के लेफ्ट वाले सेंटर से, और एंड करते हैं एक्स 1 में और वाई 1 में, ठीक है, ये सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ होगी। इसको रीनेम कर दें सेंटर लाइन और आखिरी वाला पाथ इंसर्ट। अब हमने राइट वाला एज इंसर्ट करना है, ठीक है, राइट वाले एज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हाँ जी भाई,
राइट वाले एज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यार? हसन जिया तुम बता दो। 1 0 और 1 2। हसन जिया को बता दो। हसन जिया सोया हुआ ये आदमी, एब्सेंट होने लगे। BME 183103 एब्सेंट हो गया। मत मुबशर तुम बता दो यार। जीरो वन टू। यस सर। ये राइट वाला जो एज है इस प्लेट का, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बॉटम एज का क्या है और टॉप एज का क्या है? सर इसकी डायमेंशन नहीं याद मुझे। विड्थ की 1 है और हाइट 2 इंचेस, 2 मीटर की है, जो भी करते हैं इंचेस। सर स्टार्ट की बतानी है एंड की? ये राइट वाले बॉटम पॉइंट की और लेफ्ट टॉप, ये राइट टॉप की। सर वो हो जाएगा 1 और 2। राइट बॉटम में क्या होगा? एक्स में 1, एक्स में 1 और 0, वाई में 0 और दूसरा सर 0 1 और 2। वाई में 2 होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ यार सॉरी, वो मेरा पीसी बंद हो गया था। आवाज आ रही है अब? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ 2 मिनटों। सर अभी और काम रहता है? जी मैं एनसेस खोल लूँ अपना, फिर रीस्टार्ट करता हूँ।
कोई सवाल है तब तक तो पूछ लो जब तक एंसेस खुलता है। नंबर देख लिया ना अपने सबने पोर्टल पे? जी सर बहुत पढ़ा करना यार कम दिए नहीं सर आपने कहा था सबमिट करवा दो बस हमने करवा दिया तो आपने बस मैंने ये क्या कहा अभी आपका लैपटॉप इतने काम के बाद देखें सर हैंग कर गया तो सोचे हमारा उस दिन क्या हाल हुआ होगा लैपटॉप हम बेचारे सर लैपटॉप पे ये काम की वजह से नहीं हैंग हुआ यार मेरा लैपटॉप पहले ही खराब है सर हाईएस्ट कितने आए हैं अभी देख के बताता हूँ 17 हाईएस्ट हैं दो लोगों के सर इन दोनों के नाम भी दिखाए ना नाम नहीं मैंने लिखे हुए एक 096 है और एक है 040 यार लोगों ने अभी तक वो नहीं फिल किए टेबल मैंने इतनी दफा कहा था क्विज में फिर लोगों ने गलत गलत फिल किए हैं आधे फिल किए और कुछ चीज़ों ने तो 1 2 3 4 5 लिख दिया टेबल में जैसे मुझे वैल्यूज ही नहीं पता एक बंदे की जीरो है यार ये कौन है 1 1 इश्तियाक हुसैन सर मेरे 14 आए थे सर आपने सर 12 दे दिए सर सिर्फ 2 मिनट लेट था मैं सर टाइम से फिर आप बोल रहे थे कि मतलब उस टाइम एक्सटेंशन में नहीं आया सर मैं भी 1 मिनट लेट था और दो नंबर काट लिए सर यस सर 2 नंबर आपने काट लिए सर 2 मिनट लेट होने के ये देखो 126 तुम्हारे 14 नंबर लगे हुए मैंने 2 नंबर नहीं काटे सर इधर टीम्स पे आपने 12 दिए थे सर पोर्टल पे आपने यही दिए जो अभी यहाँ लिखे हुए जी सर पोर्टल पे तो सर अभी तक नहीं शो है सर पता नहीं अप्रूव होंगे तो फिर शायद शो हो जाए अगली दफा इससे भी ज़्यादा नंबर कटेंगे ये कॉपी वाले मैंने 2 ही निकाले इस बार इतना टाइम नहीं था मेरे पास कॉपी वाले देख लो यार हालत नाजुक है इश्तियाक हुसैन किधर है यार इसका एक क्विज में 3 नंबर है एक में 6 नंबर है सोया हुआ इश्तियाक एब्सेंट कर सर जाग गया ना एब्सेंट यार तुमने खाली जमा कराया था बिल्कुल खाली एक नाम तक नहीं लिखा तुमने अपना क्यों सर मैं असल में गांव में था इमरजेंसी था सर वो नेट की वजह से बस जमे ही नहीं किया मैंने यार ये तो बिल्कुल गलत है यार बाकी ये 4 5 2 नंबरों वाले भी हैं सर ये कॉल पे अगर नज़र नहीं आ रहे तो आ जाएंगे कुछ ये जब मेरा ख्याल है HOD अप्रूव करेगा तो आ जाएंगे अच्छा अपना के लोड करें दोबारा से जो रह गया वो ख़त्म करेंगे
क्लास के एंड में मैं एक बार पेपर दिखा दूंगा तुम्हें क्या करना था। और अगली दफ़ा का मुझे बता देना एनालिटिकल रखना है कि नहीं, क्योंकि कुछ एनालिटिकल मैंने इसलिए रखा होता है कुछ लोग कहते हैं कभी आंसर नहीं चल ये नहीं हो रहा, तो उसके कुछ ना कुछ नंबर तो आ जाए इसलिए रखा हो, लेकिन एनालिटिकल करते हुए एनालिटिकल में टाइम भी लगता है क्योंकि एंसर तो देना ही देना है, उसके बगैर वो सी एल ओ मैप नहीं होता। सर एनसिस में टाइम लगता है और सर ऑप्टिमाइजेशन में तो और टाइम लगता है। एनसिस का सर एक ही प्रोजेक्ट हो सर वो सही है सर, अगर आप सर जैसे आपने दो तो दे दी तो सर वो मैंने मुश्किल हो गया। यस सर। क्या मतलब दो प्रोजेक्ट? सर यानी हमने एनसिस के सर दो क्वेश्चन दे दिए थे ना सर, एक ही क्वेश्चन सर एक ही सर काफी था सर अगर एनसिस का दे देते। सर आप एक ही को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। मेरा कहने का ये मतलब है तो एनालिटिकल का पूरा क्वेश्चन हो नहीं सकता, एनसिस का पोर्शन उसमें लाजमी हो। इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से ऐड कर देते दोनों पार्ट्स में थोड़ी चेंजेस। सर नहीं सर एनसिस की बात करें कि सर एनसिस का एक ही सवाल दें सर, जो अभी दो सवाल दिए थे उसमें से एक सवाल दें। यही ना एक हो नहीं सकता ना, क्योंकि सीएलओ दो हैं और दो पार्ट्स लाजमी होने चाहिए और उन दोनों सीएलओस में एनसिस का पार्ट लाजमी है। तो फिर एक पार्ट में पार्ट दे दीजिएगा और दूसरे पार्ट में मत दीजिएगा। अगला एग्जाम तो है, एक क्वेश्चन तो नहीं था, दोनों के दो क्वेश्चन थे। किसने कहा ये क्या? पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है कहीं। सर फाइनल ऑनलाइन है या फिर ऑन कैंपस है? ये नहीं मुझे पता, ऑन कैंपस होगा तो इजी हो जाएगा यार, बेहतर है ऑन कैंपस, फिर वो एनसिस का भी इशू नहीं होगा और टाइम भी 3 घंटे होता है फाइनल में, सवाल 2 ही होंगे इसी तो टाइम, सवाल इतने ही होंगे 2 ही होंगे लेकिन टाइम ज़्यादा होगा बस। तो ये फाइनल में मिड से पहले वाला तो नहीं इंक्लूड होगा ना सर? होगा ना यार, ये सब तो एक ही चीज़ है, वो खोली ज्योमेट्री खोली मैच लगाया बाउंड्री कंडीशंस हर जगह, सवाल तो मैनुअल में से होगा ही नहीं, मैनुअल में से ही नहीं होगा, कोशिश में करूँगा कि और से सवाल दे लें। सर अटेंडेंस ले लें बस। अटेंडेंस एक मिनट रुकना यार, ये पहले ये करा अटेंडेंस लेता। पेपर बाद में दिखाऊंगा सर। अच्छा सॉल्यूशन हम कर रहे थे, टेम्परेचर हम देख चुके थे, इस तरह का कोई टेम्परेचर प्रोफाइल था और हमने हीट फ्लक्स भी देख लिया था। वो मटेरियल अच्छा डिलीट हो गया, वो सेव नहीं हुआ था पार्ट। क्या मैं आवाज कट रही है यार, चैट में कुछ लिख दो। अच्छा ये सोल्यूशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो, क्योंकि हमने यहाँ मटेरियल ऐड था वो अब आ नहीं रहा, वो सेव नहीं हुआ, मुझे पीछे जाके दोबारा ऐड करना पड़ेगा।
या कर दूं, कर देता हूं मैं। इधर मटेरियल में गए, यहाँ पे कोई भी नाम रखते हैं मटेरियल, आइसोट्रॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है और उसकी वैल्यू 1 है वाट पर मीटर इसी यूनिट्स में। बस ये डिफाइन हो गई, इसको अब रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप ये भी सी मटेरियल आ गया, इधर से ऐड कर दिया और सोल्यूशन दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा कंटूर्स हमने स्मूथ किए हुए थे, ये एजेस ठीक है, ये हमने यहाँ तक प्रॉब्लम की हुई थी। अच्छा 3 पाथ डिफाइन करने थे, पाथ ऐड करें, स्टार्ट x0 y0 ठीक है, x0 एंड y2 ये एक लाइन डिफाइन हो गई, और ये है लेफ्ट एज। एक और पाथ ऐड करें जो सेंट्रल लाइन में होगा, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1 सेंटर लाइन, और लास्ट वाला था हमारा राइट एज, उसका x कोऑर्डिनेट 1 से स्टार्ट होता है, y 0 से स्टार्ट होता है, x 1 ही रहता है और y 2 है लास्ट वाला। ये राइट एज हो गया, ठीक है। प्रोब्स हमने कुछ यहाँ पे डिफाइन की हुई थी, वो अब हमने देखेंगे, वो हमें पता है कैसे होती है। अब हमने टेम्परेचर सैंपल प्लॉट करना हो, टेम्परेचर हम पाथ पे जाएंगे, यहाँ से पाथ, यहाँ से अपना फॉर एग्जांपल राइट एज टेम्परेचर और सॉल्व, ये हमारे पास राइट एज पे एक टेम्परेचर का प्लॉट आ गया। दिस वन, अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर 1 है हमारा, क्योंकि नियरली हमने बाउंड्री पे एक आइसोथर्मल बाउंड्री थी, डायमेंशनलेस टेम्परेचर, वहां पे मैक्सिमम 1, वो 1 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो है ना जो इसका एक्स एक्सिस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 हमेशा 0 पे रखता है ये, 0.2 हमेशा जितनी लेंथ उसने ट्रैवल की होती है उस पॉइंट में उतने रखता है, तो इस केस में हाइट 2 meters ट्रैवल किया इसने। टेम्परेचर 1 से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से और 0 जा रहा है, ठीक है, नॉन लीनियर प्रोफाइल है। अच्छा कभी कोई इसी तरह होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा मिनिमम तक जाएगा, यहाँ पे किसी और बाउंड्री में प्लॉट करना हो तो वो भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, पता नहीं एक में एडिट होता है, हाँ उसी में हो जाता है। ये सेंट्रल लाइन पे ये टेम्परेचर है, ठीक है, ने स्टार्ट किया जो लेफ्ट एज जिसका नाम 1 है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे, उसकी वैल्यू 0.3 समथिंग है, और राइट पे जाते जाते ड्रॉप होता रहता है, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है ये, मतलब 0.009 ठीक है, ऑलमोस्ट 0। और इसी तरह लेफ्ट वाले एज पे भी टेम्परेचर देख रहे हैं, लेफ्ट वाले एज पे 0 के करीब ज़्यादा वैल्यू, 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 0 जल्दी हो जानी चाहिए, ये प्रोफाइल बन गया, ठीक है। उसी तरह जिस तरह राइट एज पे 1 हो रहा है 0 तक जा रहा है, उसी तरह लेफ्ट एज पे 1 से स्टार्ट होगी 0 तक जा रहा है, राइट एज पे ज़्यादा शार्पली 0 तक जा रहा है, लेफ्ट पे थोड़ी देर से 0 पे जा रहा है, राइट पे जल्दी 0 पे जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे कन्वेक्शन पे ज़्यादा जल्दी 0 हो जाता है टेम्परेचर। दूसरी चीज़ हम हीट फ्लक्स देखते हैं,
उन्हीं जगहों पे लेफ्ट बाउंड्री पे हीट फ्लक्स बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं पाथ लेफ्ट एज हीट फ्लक्स सॉल्व, ये बिल्कुल मिनिमम हीट फ्लक्स है, जीरो जीरो समथिंग से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल जीरो तक चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल कम कम हीट फ्लक्स है। ये मोहम्मद उस्मान खालिद था क्या है? यार वन वन एट ने हैंड रेज किया, उससे पूछ लेना क्या उसका पता नहीं क्या माइक नहीं चल रहा है सर, इसके उसका लाइट का रोल था सर नेट का भी, तब भी इसने किया, अभी शायद कनेक्ट हुआ इसका दोबारा से, अच्छा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया अटेंडेंस। अच्छा मैं लगा दूंगा तुम तो इधर ही रहो। अच्छा हो गया, इस तरह सेंटर लाइन पे सॉल्व करें, एक बड़ा वियर्ड लुकिंग प्लॉट आ गया, ठीक है, सेंटर लाइन पे प्लॉट हो गया और राइट एज पे, असल में हमारा कंसर्न राइट एज से था, राइट एज पे इसको सॉल्व करें तो ये प्रोफाइल बन रहा है। पहले ज़्यादा हीट फ्लक्स है काफ़ी सारा बॉटम एज पे, 5.6 समथिंग वैल्यूज है वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और फिर शार्पली ड्रॉप होते होते एंड पे ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। जो हमने वेक्टर्स प्लॉट किए थे वो भी हमें इस तरह का रिजल्ट दिखा रहे थे। हम अगर यहाँ टोटल हीट फ्लक्स में जाएं और वेक्टर्स दोबारा ऑन कर दें, वेक्टर की लेंथ बढ़ा दें तो देखें नीचे सबसे बड़ा वेक्टर है और राइट साइड पे कम हो रहे हैं और टॉप पे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो वैल्यूज है हीट फ्लक्स की, तो ये हीट फ्लक्स के वैक्टर हैं, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि इसमें हमने जो मैश ड्रॉ किया हुआ है वो बड़ा कोर्स मैश है, बहुत जो है वाइड बड़े बड़े है, पर हमने इंडिपेंडेंस भी नहीं चेक की थी। इंडिपेंडेंस के हमने दो तरीके थे, एक मैनुअली खुद चेक करने का और एक जो है एनसिस के अंदर एक बिल्ड तरीका। वो कौन से दो तरीके हैं? पहला वाला तो मैश डेंसिटी इंक्रीज करने वाला, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका कौन सा? मोहम्मद हसन सी आर तुम बता दो यार सबको। सी आर सोया हुआ है, एब्सेंट होने लगी। बीएमई 18303 5 एब्सेंट। सर वो भी गांव में होते हैं, उसके सिग्नल का इशू आता है सर। छोड़ सिग्नल का, अच्छा कोई और बता दे यार, मौसम तुम बता दो यार। 064 यस सर, जी बताओ कि मैश कन्वर्जेंस के दो तरीके थे, दूसरा तरीका कौन सा था? पहला वाला तो मैश रिफाइन करना, दूसरा याद हाँ जी एक्सक्यूज मी सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ, तुम बताओ यार। सर वो मैश साइजिंग करते हैं, मैश रिफाइनमेंट, मैश
वो पहला तरीका है ना, दूसरा तरीका कौन सा है? एक हमने दूसरा भी देखा था सर, कन्वर्जन सेट करते हैं सर 5% या जितनी हमने रखनी हो सर। कहाँ से करते हैं सर? जो फॉर एग्जांपल जिसकी भी हमने करनी हो सर, उस पे क्लिक करते हैं सर, राइट क्लिक करते हैं सर, उधर ऑप्शन आ जाते हैं सर कन्वर्जेंस का सर, वहां से हम चेंज कर सकते हैं सर। सही कह रहे हो, राइट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कन्वर्जेंस यहां से हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पहला वाला तरीके ही करेंगे इसको, मैश में जाएं, एज साइजिंग, ठीक है। अच्छा, पहले हम टेम्परेचर प्रोफाइल एक नोट कर लेते हैं, या हीट फ्लक्स पे कन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है। हीट फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5.6 है, मिनिमम 0.22 है, पे हम कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ से एज साइजिंग में जाते हैं, जो नंबर ऑफ डिविजन 10 है उसको मैं 20 कर देता हूँ, और जो 5 है उसको कितनी करूँ फिर स्क्वायर मैश रखने के लिए? टेन करूंगा ना उसके हाफ, ठीक है। इसको दोबारा सॉल्व कर दें, जब सिस्टम फिर मैश होगा फिर पूरा होगा। जब हम सिर्फ सॉल्यूशन में कुछ ऐड करते हैं और हमने टेम्परेचर्स के लिए सॉल्व तो पूरा सिस्टम नहीं सॉल्व होता, लेकिन अगर हम मैश चेंज करते हैं तो फिर पूरा सिस्टम सॉल्व होता है दोबारा से। अच्छा, अब देखो, अब मैक्सिमम वैल्यू जो हीट फ्लक्स आ रही है वो 7.5 है, पहले 5.6 थी, इसका मतलब काफी ज्यादा फर्क पड़ गया, ठीक है। पिछला मैच बिल्कुल ख़राब था, ये मैच इंडिपेंडेंस की मैंने प्रॉब्लम दी थी, पता नहीं तुम्हारे सेक्शन को दी थी या किसी और को दी थी, ठीक नहीं की किसी, बहुत कम लोगों को दी थी, ठीक है। ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इसका मतलब पिछला वाला मैच ठीक नहीं था। अब ये कैसे पता चले वाला मैच भी ठीक है कि नहीं, जो अभी हमने जिसपे सॉल्व किया है? फिर क्या करें? जी भाई कोई बताए, वॉलंटियर महाज नासिर बता दो यार, टॉम एंड जेरी साहब। जी सर, अब कर क्या रहे हैं सर? आवाज नहीं आई, वो दोबारा रिपीट करें। मैं पूछ रहा हूँ अभी हम कर क्या रहे हैं? फुल टाइम सोया होगा यार ये आदमी। सर हम नंबर ऑफ डिवीजन चेंज कर रहे हैं ना, कि जो डमाइट ने बॉक्सेस बन रहे थे उनके नंबर वाले थे। मैं यहाँ से देख लिया स्क्रीन पे जो, हाँ वो तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये हम कर क्या रहे हैं, चेंज कर रहे हैं डिवीजन। मैश इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं यार, अच्छा डिविजन्स। अब मैंने यहाँ पे 30 कर, अगर इसके वर्टिकल एज पे डिविजन्स 30 हैं तो हॉरिजॉन्टल एज होंगी, अगर मैंने स्क्वायर रखना है इसको, सेल स्क्वायर होने चाहिए। 15 सर, 15 डिविजन्स होंगे, हाँ जी 15, ठीक हो गया। अच्छा इसको दोबारा सॉल्व, इसको बल्कि ज़्यादा बढ़ा देते हैं एक ही बार, इसको अगर मैं 40 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, मैश जनरेट कर लें और दोबारा सॉल्व। इंटरनेट कनेक्शन, कौन कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन? ये हीट फ्लक्स की वैल्यू
अब 9.5 हो गई, अभी भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब कि अभी जो हमने पिछला मैच पहले 5.6 हमने स्टार्ट किया, फिर 7 पॉइंट समथिंग हो गई, अब 9.5 हो गई। इसका मतलब अभी तक अब ये इंश्योर हो कि मैच ठीक है कि नहीं। अब क्या करें, तीन दफ़ा कर चुके, सर एक दफा फिर करके देख लेंगे, जब तक हमारी जो कन्वर्जेंस की होगी सही तरह नहीं आती तो हमारे एक दफा फिर कर लेते हैं। 60 और 30 कर लिया हमने, दोबारा सॉल्व कर दे सिस्टम। अब 10.7 हो गई, अब अभी भी बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इस पर हम सेटिस्फाई हो भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और एक बार करके इंश्योर कर लेते हैं। इसको 100 कर रहा हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ। यार प्रोजेक्ट अगर मैं आप लोगों को कोडिंग का दे दूँ तो कर लोगे? ये अगर FEM सॉल्वर उसमें कोड करना हो तो कर लोगे यार? ये एक दिन का भी काम नहीं है। नो सर, नो सर, बिल्कुल नहीं करते। देखो एक मैश डिफाइन करना होता है मैटलैब, उसके बाद एक मैट्रिक्स बनता है, उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन करनी है और आ जाएगा। सर उसको सिखा देना आप, फिर किसी एक लेक्चर में सिखा देना ताकि पता चल जाए। तुमने क्या करनी है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट सेल्फ लर्निंग में आता है, प्रोजेक्ट ही करना है ना सर। बस अटेंडेंस ले रहे सर। सर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह होंगी उसके रिलेटेड? बहुत सर आप शेयर कर देना वीडियोस के। मैं क्या लिंक शेयर करूं, खुद ही ढूंढ लो, मिल जाएगा। अब 12 हो गया, ये मैच अभी तक कन्वर्ज नहीं हुआ, ये पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने बहुत गंदे मैच से स्टार्ट किया था, 5 से स्टार्ट किया था, अब 12 हो चुकी है। आपको इसलिए बस दिखा रहा हूँ कि मैच कन्वर्जेंस किए बगैर किसी रिजल्ट को नहीं करना कभी भी, न्यूमेरिकल रिजल्ट को, क्योंकि हमने 5 से स्टार्ट किया और अब वैल्यू 12 पे पहुँच, 5 और 12 वैल्यू में बहुत फ़र्क है, डबल से भी ज़्यादा है। ठीक हो गया, किसी का कोई सवाल है तो एक्सपेरिमेंट इतना ही है, मैं आपसे आपको एक दफ़ा पेपर दिखा दूँ दोनों सेक्शन फिर चले जाना। सर पहले अटेंडेंस लगा दें। सर पहले अटेंडेंस ले रहे सर, प्लीज। नहीं नहीं सही, अटेंडेंस सेंड कर लूँगा ना। कोई सवाल है तो पूछ लो यार। तो में से किसी एक ने भी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी सॉल्यूशन शीट की, किसी ने पढ़ी है? यस नो, किसी ने नहीं पढ़ी ना, मुझे पता है किसी ने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, खोलूं अभी मैं? किसी ने भी नहीं पढ़ी, दोनों सेक्शंस में से किसी ने नहीं पढ़ी। और ये भी नहीं हुआ कि पहले सेक्शन आप लोगों को पहले हुआ था, आपने पढ़ ली और दूसरों को बता दिया हो, पढ़ी नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। पढ़ी थी? नो सर। देखा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, मैंने मिड से पहले कहा था इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना,
सो इसके नंबर थे जी, थे ना, किसी ने डाली, किसी एक ने भी नहीं डाली। सर हम लाइक लोग हैं सर, हम पेपर पे ध्यान दे रहे थे। अच्छा बिल्कुल सही है, मैं अभी तुम्हारे नंबर चेक करता हूँ। अच्छा पहली वाली प्रॉब्लम बड़ी इजी थी, ये बीम वाली आप पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ दो चीज़ें डिफरेंट थी। एक ये था कि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो मैंने आपको बता दिया था एग्जाम के अंदर ही कि कैसे ऐड करना है। दूसरा ग्रेविटी थी, और वो भी मैंने बता दी थी कि कैसे ऐड करनी है। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही है जो पहले कर चुके हैं आप। ये एनालिटिकल चीज़ें भी वही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे फाइंड करना है फिजिकल टू एम ए से, ये भी कुछ लोगों ने ठीक किया, आधे लोगों ने ठीक किया, आधे ने गलत किया। ये वाला पार्ट अच्छा, एनसिस का इसमें यूँ चार नंबर थे। मैं एनसिस के नंबर इसलिए आधे रखता हूँ क्योंकि थे तो आठ, आधे ऑप्टिमाइजेशन के थे, आधे एनसिस मॉडल के थे, और चार मैंने इसलिए रखे हुए थे ताकि अगर किसी का चल ना रहा हो तो कुछ नंबर आगे पीछे से ले रहे हो। ये ऑप्टिमाइजेशन वाला अच्छा, ये प्रॉब्लम जब बिल्ड कर लेनी थी तो तीन पैरामीटर थे जिसको पी क्लिक करना था, और ये तीन स्टेप्स इसके रन करने थे। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने चेक नहीं किए, किसी ने रन भी किए तो मैंने उसको पूरे नंबर दे दिए। इसका भी यही हुआ, ये सेकंड पी पार्ट का भी, जिसने किया हुआ कुछ भी उसको मैंने नंबर दे दिए, अनलेस कि उसने छापा मारा हो। कुछ लोग छापा मारते हैं, ऊपर रोल नंबर किसी और का लिखा होता है, वो भी नहीं हटाने की जहमत करते। ये नीचे मार्किंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम भी बहुत ईजी थी यार, ये किसी ने ठीक नहीं की, ये टू डायमेंशनल, ये प्रॉब्लम ज़्यादा इजी थी और ये ज़्यादा लोगों ने गलत किया, ऊपर वाली में ज़्यादा नंबर है लोगों के। पहले ये कर, ये पहले ये वाली कर लेते, कुछ भी नहीं था, इधर एक प्रेशर अप्लाई करना था। सिमेट्री का सा इशू आ रहा था सर मेरा। सर तुम सिमेट्री ना भी लगाते ना, इसको फिक्स भी कर देते तब भी ठीक सॉल्व हो जाता। सिर्फ तुम्हारी एक जो ना आखिर वाली वैल्यू गलत आती जिसका एक नंबर काट देता तुम्हारे इस पोर्शन में, बाकी सारा ठीक था, बाकी सारा ठीक होता। इसमें बस ये करना था कि नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी थी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इस ग्राफ से निकालना था, उससे मल्टीप्लाई करना था, मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया। ये पहले दो नंबर इसके ठीक है, आखिरी दो नंबर मुफ्ती के हैं क्योंकि सोल्यूशन कुछ ना कुछ सेंसेस का तो आएगा, और कुछ ना कुछ ये आप पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, तो दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख दें, आखिरी दो नंबर इसके। चार नंबर वैसे ही है, ये वाला चार नंबर मैं चेक ही नहीं करता, मैं सिर्फ जनरली देखता हूँ कि ज्योमेट्री की शक्ल ठीक है कि नहीं, मैश ठीक लग रहा है कि नहीं। कुछ लोगों ने 3D कर दिया था, कुछ ने कुछ अजीब सा कर रहे थे कुछ लोग, बस ये देखना था। कुछ लोगों ने सर्कुलर बना दिए, ये चेक करना था बस। और ये कन्वर्जेंस वाला एक, इसमें इसके नंबर कम थे और ये स्टेप थोड़ा लंबा है, लंबा तो नहीं है, मैश की वैल्यूज दो तीन बार चेंज करके सॉल्व करनी है, वो रिपोर्ट करनी थी बस। ये तो पूरे 10 नंबर लेने चाहिए थे, मैंने एग्जाम में कहा भी था कि ये सवाल इजी है, ये पहले सॉल्व कर लें, ये तो बहुत इजी था। दूसरा वाला में जो मुश्किल था वो मैंने पहले बता दिया था कि ग्रेविटी कैसे ऐड करनी है। दूसरे सेक्शन का भी इसी तरह का क्वेश्चन था, मिड टर्म था। दूसरे सेक्शन की भी बीम है, वही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसी तरह ग्रेविटी है, लेकिन इन्होंने फाइंड कुछ डिफरेंट करना था। अच्छा आप लोगों की ऑप्टिमाइजेशन थी और इनकी है, इनका ऑप्टिमाइजेशन की बजाय एनालिटिकल न्यूमेरिकल दोनों सॉल्यूशन है। आप लोगों की ऑप्टिमाइजेशन वाला पोर्शन लंबा था, इनका एनालिटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने थे इन्होंने पहले। उसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इतना लंबा नहीं था कि डेढ़ घंटा पीछे में भी ना हो, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स इतना था। और ये वाला नंबर मुफ्ती का यार किसी को मिला है कंपैरिजन वाला, ये दो नंबर मुफ्ती के, तीन नंबर ऐसे ही। इसमें जिसने भी स्क्रीनशॉट्स डाली हुई हैं, अगर चार स्क्रीनशॉट्स उसने पूरी किए हैं तो उसको मैंने 3x4 नंबर दिए हैं, अगर उसकी स्क्रीनशॉट्स गलत किए हैं तो, अगर कॉपी नहीं किया तो। ये तो जो चीज़ें मांगी होती हैं वो पूरी डाला करो। सेकेंड वाला इनका, तुम लोगों का सेकेंड वाला ज़्यादा ईजी था, इनका थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें एक दो चीज़ें, एक तो इसमें इन्होंने लोड को एक्स वाई में कन्वर्ट करके अप्लाई करना था, ये मुश्किल तो नहीं है, ये भी ईजी है।
ये ट्रसेस डिफाइन करना बहुत इजी है, बस वन डायमेंशनल लाइंस ड्रॉ करनी थी, कुछ भी नहीं करना था। इस एंड राइट हैंड पे फोर्स लगानी थी, डायमेंशन सारी कंप्यूट करनी थी, कुछ लिंक्स की गिवन है, बाकियों की इनको यूज़ करके कंप्यूट हो जाती है। कंप्यूट ना भी करें तो ये ड्रॉ खुद ही हो जाता है, लेकिन कंप्यूट करने के एक्स्ट्रा नंबर थे। पहले तीन नंबर सिर्फ इसी एनालिटिकल के हैं कि पी फोर्स को रिजॉल्व कर दें, ई और आई फाइंड कर दें, हमने क्विज में किया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इसकी वैल्यू, डायमेंशंस बी एच ये भी हमने किया हुआ पहले। ये चार नंबर हर उस सवाल में मुफ्ती के होते हैं, बस चार स्क्रीनशॉट्स लगानी है, चार नंबर मिल जाएंगे। अगर गलत है तो तीन मिल जाएंगे, छापा मारा तो फिर मिलेगा, फिर शायद एक मिल जाए। न्यूमेरिकल वैल्यूज रिपोर्ट करनी है। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ने रिपोर्ट करनी थी, एक तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज रिपोर्ट करने का कि टोटल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट में एक्स डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट दोनों होती है। और दूसरा तरीका होता है कि डिस्प्लेसमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो करते हैं डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट, कोई इस तरह का नाम होता है उसी में, तो वो एक्स में करेंगे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, वाई में करें तो सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट आती है। तो इन्होंने वो फाइंड करनी थी, ये भी मैंने इनको बता दिया था एग्जाम में कि कैसे करनी है, और बस ये लोड रिजॉल्व करना था और डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड करनी थी, बस कुछ भी नहीं है। इनका भी सेकेंड पार्ट ही थी, तो सेकेंड पार्ट इसलिए था कि सबके 10-10 नंबर आए, और पहले पार्ट इसलिए कि उसका एक पोर्शन तुम लोगों का जो मुश्किल था वो ऑप्टिमाइजेशन वाला था, उसमें कुछ नंबर काटने थे मैंने, और एक में इनका एनालिटिकल में, लेकिन दोनों ने एक कबाड़ किया है तो नंबर किसी की भी नहीं है। अच्छा, इनका ज़्यादा इजी था सेक्शन टू का, और इनकी एवरेज ज़्यादा कम है। एनीवेज, फाइनल भी इसी तरह का होगा, लेंथ में कोशिश करूँगा इतनी रखूँ, और टाइम फिर उसमें ज़्यादा होता है, टाइम तो उसमें 3 घंटे होता है, लेंथ में कोशिश करूँगा इतनी रखूँ। अच्छा, फाइनल अगर ऑन कैंपस हुआ तो मैनुअल आपके पास नहीं होगा, ये बात जहन में रखना, अभी तो आप मैनुअल से देख के करते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपको अभी याद हो चुके होंगे, तब तक भी याद रहेंगे ही, ज्योमेट्री बनानी, मैश करना है, किसको जो है ना वो सरफेस फ्रॉम स्केचेस करना होता है, किसको नहीं करना होता। सर ऑन कैंपस अगर होगा तो सर साथ आप क्या देंगे, कोई फार्मूला शीट देंगे? फार्मूला अगर एनालिटिकल हुआ तो फार्मूला शीट दूंगा, लेकिन प्रोसीजर नहीं हो आपके पास होगा, मैनुअल नहीं होगा। ये आपको अभी तक याद वैसे भी हो चुका होगा कि क्या करना होता है। सर इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं सर, उसके प्रोसीजर सर सारे कैसे याद कर सकते हैं? सर आप साथ ही होंगे? हाँ ना, मैं ही होऊंगा ना, लैब में मैं ही लूंगा एक्सपेरिमेंट। यस सर, फिर तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें। अच्छा सर, वैसे क्या चांस है 7 जून को यूनिवर्सिटी खुलेगी? यार मेरा ख्याल है अगर ना भी खुली ना तो लैब सर अटेंडेंस ले ले काइंडली सर, 8% चार्ज रहेगा सर लैपटॉप पे। अच्छा एक सर, वैसे यूनिवर्सिटी खुली हुई फैकल्टी के लिए? फैकल्टी के लिए खुली हुई है, मैं यूनिवर्सिटी में हूं। सर जो फाइनल सेमेस्टर वाले सर उनके लिए भी ऑनलाइन ही हुई हुई है यूनिवर्सिटी? हाँ, स्टूडेंट कोई नहीं आ रहा सर। मैं अगर ऑफलाइन हो गया सर, लैपटॉप बंद हो गया तो काइंडली मुझे प्रेजेंट कर दें। अच्छा ठीक है, 7% रह गया सर, किसी भी वक्त बंद हो सकता है। अभी करने लगा भैया, माशाल्लाह से टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है आपकी। यार मेहनत, मेहनती आदमी हूँ, मेहनती, इस पर भी मेहनत लगती है सर। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह सर। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस करो यार, ऑनलाइन देखो, देखो टच टाइपिंग क्या होती है, पता क्या होती है? नहीं सर, गूगल कर लेना, टच टाइपिंग होती है 500 फिंगर से टाइप करना, कहीं और ही चला गया हूँ। 500 नहीं, 500 मतलब एक हाथ की 500 फिंगर्स, टोटल 10 फिंगर्स, बाकी लोग एक अच्छा, एक या दो दो फिंगर से टाइप करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, महीना लगता है सर। मैं तो एक से ही करता हूँ सर, स्लो ही बहुत है सर हमारी। यार कहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ गया ना, तुम बैठे रह जाओगे उसमें।
आईएलटीएस के टेस्ट में शायद सर ये टाइपिंग की जरूरत होती है ना? हाँ अगर कंप्यूटर बेस्ड देना तो, वरना वो पेपर बेस्ड भी होता है। कंप्यूटर बेस्ड इजी होता है, जिनकी जिनको टाइपिंग जिनकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है उनकी राइटिंग स्पीड कम होती है। टाइपिंग ज़्यादा इजी है राइटिंग से। वन टू सिक्स प्रेजेंट प्रेजेंट सर। 003 Present sir. 007 Present sir. यार कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस ऊपर हो जाए? या कितनी छुट्टियां अलाउड है लैब में? चार चार सर। यार बुक टी क्लोज है छुट्टियों के, या तो इसकी पूरी हो गई है या तीन हो गई है, एटलीस्ट तीन तो है इसकी। सर मेरी अटेंडेंस मार्क भी है? अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, रुको ना। 012 मुबशिर प्रेजेंट। 023 हसनैन अरशद प्रेजेंट सर। माज बाबर 029 माज बाबर 029 मीटिंग में तो है, सोया गया, वो जाग जाए, एब्सेंट हो गई है, जल्दी जगाओ। मोहम्मद हसन 035 ये था ना कहीं बीच में। वहाज नासिर 040 वहाज नासिर भी था, ठीक है। सैयद दानियाल मेहदी 041 प्रेजेंट सर। आकिब बशीर 047 असद अली खान 060 तार का लैपटॉप का बैटरी। अच्छा ठीक है। जीशान नासिर 062 प्रेजेंट सर। जीशान प्रेजेंट। 064 मोहसिन रजा प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन 066 और इसको भी एंड्रेज है सर। ठीक है। उमर कादिर 075 प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान 084 प्रेजेंट सर। 086 महद आमिर प्रेजेंट सर। सैयद जुहैर अहमद फाइज फाइज प्रेजेंट। तुम्हें बहुत जल्दी थी यार जाने की। मारिया नवाज 092 मलाइका जावेद 096 प्रेजेंट सर। हसन जिया 103 सर। हसन के माइक का इशू है, इसने हैंड रेज किया हुआ। अच्छा शेर खान प्रेजेंट सर। इश्तियाक हुसैन 114 प्रेजेंट सर। 115 असदुल्ला नोमान प्रेजेंट सर। शम्स मुशीर 116 प्रेजेंट। उस्मान खालिद 118 प्रेजेंट सर। वलीद उस्मान 124 प्रेजेंट। उसामा फारूक 126 प्रेजेंट। प्रेजेंट सर उसामा फारूक। अच्छा तला जेब 127 प्रेजेंट सर। और वकार अहमद बुक्टी 131 यार ऑनलाइन क्लासेस में भी इसकी जाना ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएंगी, ऑनलाइन में कभी किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हुई। सर ये 029 एंड्रेस किया है। माज बाबर प्रेजेंट सर। वकार बुक्टी प्रेजेंट है। किधर है? ऐसी प्रेजेंट है सर, मीटिंग में है वो, मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं है यार,
सर आखिरी रोल नंबर है उसका, मेरे पास आखिरी 106 आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं मेरे पास नहीं है यार। सर आ रहा है, एनपी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक मिनट। यस सर। अच्छा हाँ आ रहा है। सारे प्रेजेंट है, इधर 27 है, उधर सारे प्रेजेंट है, बड़े तेज हो यार। सर वो अटेंडेंस लगाने के बाद लीव कर देते हैं। अच्छा भाई दूसरे स्लॉट की भी निकालनी है। All present. Sir, बस स्लीप करने? हाँ कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले वरना ठीक है जाओ। बकार की 3 छुट्टियां होंगी यार, इससे कहना छुट्टियां ना करे। सर जी, सर वो मिट के सर बताना था सर। क्या बताना? सर मिट के यूं हुआ कि सर वो पेपर मैंने खुद कर लिया, वो जो एनएस है ना वो मैंने सर चीटिंग की थी सर, कॉपी की थी। कौन सा एनसीएस? जी सर। कितने बाकी सर? टेबल टेबल वगैरह भी सर मैंने फिल किए हैं सर खुद सर। नो नंबर है यार, बहुत नहीं सर? बहुत है सर। अब चेंज भी नहीं हो सकते, अब आगे ही मैं देखूंगा। थैंक यू सर। ठीक है सर, क्लास लीव कर दे सर। हाँ कर दो, अटेंडेंस ले लिया मैंने।